हेलो, गुड मॉर्निंग। बोलिए, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग प्रिया। आपस में ही आप लोग का तो गपशप चले जा रहा है। राखी, गुड मॉर्निंग। आरती, शिल्पी, श्रेया सेन, श्रेयस सोनी, अनिकेत भाई को जय श्री राम कर रहे हैं। सर तो है ही नहीं यहाँ पर। मोहित शर्मा, आज वाले क्लास का नोट्स मिला सबको? यस, सबको मिल गया। सुकमल सिंह, मैंने आपका कॉस क्लास लिया है, एफएम रिवीजन क्लास करके भी बहुत मज़ा आ रहा है। यू आर ऑल्सो ऑसम इन एफएम, लव सो मच। लम्हे बीत गए आपके इंतज़ार में, आए ना नज़र अभी तक आप हमारे रिवीजन क्लास में। वाह वाह, बहुत खूब। लम्हे बीत गए आपके इंतज़ार में, आए नहीं आप नज़र अभी तक हमारे रिवीजन क्लास में। क्या बात, क्या बात। नवनीत, छा गए तो सिगरेट हो। रेडी टू रॉक। उदय महात्रे, राधिका बुद्धिया, प्रवति समाल, अंकित कुमार, सौम्य सुचरिता पांडा, अंकित कुमार, प्रिया सामल, सत्यकी सामंतो, गुड मॉर्निंग। महक गुलियानी, यस, आप जो पूछ रहे हो वो अलग चैप्टर में है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी नाम का चैप्टर है, उसमें मिलेगा। संतोष सुनावने, गुड मॉर्निंग। अनिकेत मजुमदार, गुड मॉर्निंग। अच्छा चलिए, बताइए आप लोग, ये सारा जो नोट्स है अभी डाउनलोड कर लिए ना, रेशियो एनालिसिस का? रेशियो एनालिसिस का नोट्स डाउनलोड कर लिए है तो? झुंझुनू से दीपक शर्मा जी, बहुत खूब। झुंझुनू तो हम भी आते हैं साल 2 साल में एक बार कभी। स्वाति अय्यर, यू आर माई रोल मॉडल, फाइनेंस विजर्ड, ग्रेट, थैंक यू सो मच। हिमांशु सिंह, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, हाउ डू यू डू? और क्या बोल रहे? नवनीत बोल रहे, डेली आपके लिए लिखते हैं सर, बट डर लगता है कहीं सीएमए की जगह शायर न बन जाए। क्या बात है। श्रेयस सोनी को हार्दिक भाई से लेना देना है भैया। हार्दिक, थोड़ा जवाब दो श्रेयस सोनी को। किरण खुलागोड़, डाउनलोडेड, वेरी गुड। मुस्कान तिवारी, क्लास में जो चार्ट बनवाए थे वो भी है, वेरी गुड। आत्माराम अंकुश, क्यों हम भी डाउनलोड कर सकते हैं सर क्या? हाँ, सबको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, वीडियो में एक लिखा हुआ चल रहा है ना लाइन, उसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे डाउनलोड करना है। या सी ए मैट और सी एम ए मैट में क्या होता है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को घुसा देता है, तो हम लोग प्लानिंग अलग पढ़ते हैं, थ्योरी अलग पढ़ते हैं। सर कॉस्ट क्लास कंप्लीट हो गया, लाइव क्लास? यस, जगत जीता मोहपात्रो, कॉस्ट लाइव क्लास ख़त्म हो गया। आत्माराम अंकुश बोल रहे, कैसे कैसे का मैंने जवाब दे दिया है। कल की ऑडिट क्लास अपलोड नहीं हुई सर, रोज़ रोज़ की क्लास अपलोड नहीं होती बेटा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका नाम नहीं पता चला मुझे। जॉइन वेस्टिज, आफ्टर लॉन्ग टाइम सर आपसे फिर से एफएम पढ़ने को मिल रहा है। रोहन शर्मा इज सेइंग ग्रेट, सुपर्ब। आई जस्ट जॉइंड, टेल मी हाउ टू डाउनलोड द नोट्स। सो टू डाउनलोड द नोट्स ऋषभ, यू हैव टू रीड द लाइन्स दैट आर स्क्रॉलिंग ऑन द स्क्रीन। यू हैव टू गो टू SGC वेबसाइट, एनरोल योर सेल्फ टू द फ्री लाइव रिविजन कोर्स, एंड फ्रॉम देयर इन योर डैशबोर्ड एन एक्सेस विल कम इन माई कोर्सेज सेक्शन, फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू डाउनलोड। स्क्रीन शॉट वाले की PDF भी मिलेगी। कल क्या हुआ था, वेबसाइट में इतना जो PDF PDF अभी रिवीजन क्लास के चक्कर में डाल रहे हैं, इसलिए वेबसाइट में जो सर्वर होता है उसका स्टोरेज फुल हो गया था PDF के चक्कर में आपका, तो कल हमें उसको एनहेंस कराना पड़ा, तब जाके PDF डाउनलोड वगैरह का प्रोसेस शुरू हुआ।
अपलोड करवाएंगे, थोड़ा सा टाइम देना होगा, ऐसे हड़बड़ करने से नहीं होगा। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रेशियो एनालिसिस एवरी डे सेम डायलॉग शुभम रॉय, लुकिंग फॉरवर्ड चैप्टर नेम चेंज। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है? ओके सो ऑल सेट, आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट? थैंक यू सर। एंड टाइमिंग्स क्या होगी इस क्लास की? एज आई एम इन ऑफिस बट स्टिल ट्राई टू अटेंड एज मच एज आई कैन। सो एवरी डे द क्लास टाइम इज़ दिस 11:30 ओनली। ओके 11:30 ओनली, द क्लास टाइम इज़ 11:30 ओनली। आई डू FM क्लास एट 11:30। ओके इफ़ यू आर अ CMA स्टूडेंट देन 3 o'clock को हमारा ऑडिट क्लास हो रहा है। एंड फॉर ऑल CA CMA CS स्टूडेंट्स शाम को 6:30 से यहाँ पे अभी IDT का क्लास चल रहा है, GST का क्लास। डेली होता है क्लास मंडे टू सैटरडे, क्लास डेली होता है मंडे टू सैटरडे। इज़ इट फाइन? आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ। प्लीज़ रिमूव वीडियो आफ्टर 24 आवर्स। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू रिविजन वीडियो बट आर्टिकल शिप के कारण इशू होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप लोग टैक्स क्लास कर पा रहे हो क्या? जो लोग 11:30 बजे कॉस्ट की क्लास नहीं कर पाते हैं या FM की क्लास नहीं कर पाते हैं, क्या आप कॉस्ट की क्लास कर पा रहे हो, सॉरी टैक्स की क्लास कर पा रहे हो? दीपक शर्मा पूछ रहे हैं, आप भी झुंझुनू से बिलोंग करते हो? जी नहीं, बिलोंग हम लोग चुरू से करते हैं। झुंझुनू में दर्शन के लिए आना होता है, कुल देवी के दर्शन के लिए। ठीक है, वेरी नाइस। ओके रेशियो एनालिसिस, चलिए दोस्तों गाड़ी आगे बढ़ाई जाए। लेट अस मूव अहेड। ओके गाइस, वी आर स्टार्टिंग विथ आवर न्यू चैप्टर रेशियो एनालिसिस। अ वेरी इजी चैप्टर, समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एंड वेरी इजी। ओके इजी के साथ साथ इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोगों को मिलता है। जो नसीब वाले होते हैं उनको ये चैप्टर सौगात में मिलती है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस इन जनरल हर स्टूडेंट को इजी लगता है। रीज़न इसका क्या है? एकदम सिंपल रीज़न है इसका कि ये बहुत लोगों का 11-12 में भी किया हुआ होता है। सो 11-12 में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत मन से पढ़ ही लेते हैं ना, इसी रीज़न से ये चैप्टर आपको अभी इंटर में भी वापस इजी लगता है। और फैक्चुअली कभी कोई ऐसा टफ क्वेश्चन इससे आता भी नहीं है कि आप कभी ना कर पाओ। ओके सो आई एम रेडी, सो यू शुड बी रेडी। सो रेशियो एनालिसिस में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं? हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब टेक्निकली आप लॉ के हिसाब से चार चीज़ बोलते हैं, PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स। बट अभी हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पर FM में दो ही चीज़ें, वो है PL और बैलेंस शीट। ठीक है, PL और बैलेंस शीट आपको लेकर यदि एनालिसिस करना हो तो एनालिसिस करने का एक तरीका रेशियो एनालिसिस। नाउ व्हाट इज़ एनालिसिस सर? एनालिसिस मतलब रीडिंग द PL एंड बैलेंस शीट इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू अराइव एट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विच आर नॉट अपेरेंटली अवेलेबल इन PL एंड बैलेंस शीट। इसे अपेरेंटली मतलब जो सामने सामने होता है। जैसे PL में क्या दिखेगा? सेल्स। PL में क्या दिखेगा? परचेज। सेल PL में क्या दिखेगा? एक्सपेंसेस। करेक्ट। बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? अपेरेंटली करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट लायबिलिटी। बट क्या PL बैलेंस शीट में देख के ये समझ में आता है कि क्या ये कंपनी 5 साल बाद अपने सारे लोन का रीपेमेंट कर पाएगी? क्या PL बैलेंस शीट ऐसे देख के समझ में आता है कि क्या ये कंपनी अपने सप्लायर को टाइम पे पेमेंट कर पाती है कि नहीं? क्या PL बैलेंस शीट को देख के समझ में आता है कि क्या ये कंपनी अपने कस्टमर से ड्यूज़ को टाइम पे कलेक्ट कर पाती है कि नहीं?
क्या पीएल बैलेंस शीट देख के समझ में आता है कि कंपनी का स्टॉक खराब होता है कि बिक जाता है? क्या पीएल बैलेंस शीट देख के समझ में आता है कि इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है? मतलब अपेरेंटली नहीं समझ में आता, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो कैलकुलेशन कैसे करें, उसका पढ़ाई बना, बहुत सारा पढ़ाई है, उसमें से एक पढ़ाई का नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, पीएल में कोई भी दो आइटम को लेकर, या फिर बैलेंस शीट में कोई भी दो आइटम को लेकर, या फिर एक आइटम पीएल का एक आइटम बैलेंस शीट का लेकर, दोनों को डिवाइड करके एक रेशियो बनाते हैं। कुछ पर्पस होता है वो रेशियो सोचने का, किसको किससे डिवाइड करेंगे तो एक रिलेशनशिप आएगा, उस रिलेशनशिप से हम इंटरप्रेट करते हैं कि कंपनी के अंदर में क्या हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपको ये चीज़ पता है कि कंपनी होती है ना, तो कंपनी के गवर्नेंस कोई और देखते हैं, कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं वो देखते हैं, बट कंपनी का मालिक कोई और होता है, शेयर होल्डर होता है। तो शेयर होल्डर को क्या कंपनी में दिख रहा होता है क्या कि उस कंपनी में क्या क्या हो रहा है? कंपनी के चारों तरफ तो हम लोग क्या डाल देते हैं, एक दीवार खड़ा कर देते हैं ना। सो हम लोग को थोड़ी दिख रहा होता है एज अ शेयर होल्डर की कंपनी अंदर में क्या क्या कर रही है, हम लोग को तो कभी नहीं पता चलता है कंपनी अंदर में क्या क्या कर रही है, राइट? जब हमें ये नहीं पता है कंपनी अंदर में क्या क्या कर रही है, सब चीज़ ढका हुआ है यहाँ पर मान लीजिए, तो फिर कभी तो हमें पता चले कि हमारे पैसों से अल्टीमेटली हो क्या रहा है। इसलिए आपको कंपनी बोलती है ठीक है मैं अपना ईयर एंड में पीएल और बैलेंस शीट बना के आपको दे दूंगा, आप समझ लेना हमारे अंदर में क्या हो रहा है। अब पीएल बैलेंस शीट में तो खाली हम लोग को ये पता है कि भाई जीपी होता है, एनपी होता है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज मैच होता है, बस आपको फिगर्स दिखते हैं। बट पूरा साल अंदर में वो क्या क्या किया ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी, उसका भविष्य क्या है, उसका पास्ट क्या रहा है, थोड़ा और अच्छे से जानना हो तो हम कैसे जाने? तो पीएल बैलेंस शीट में इतना पोटेंशियल है, इतना कैपेबिलिटी है कि वो आपको बता देगा कि ये कंपनी आने वाले समय में क्या करेगा, कैसे करेगा, इसके डेटर्स के साथ रिलेशन कैसे है, इसके क्रेडिटर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं, इसका स्टॉक इसके पास रहता है कि नहीं रहता है, इसका शेयर होल्डर के साथ इसका रिलेशन क्या है, ये अपने डेट होल्डर्स को कैसे सर्विस कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसे सर्विस कर रहा है, ये कंपनी खर्चा ज़्यादा कर रहा है कि खर्चा कम कर रहा है, क्या इस कंपनी का और भी एक्सटर्नल कोई इनकम है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम हुआ, जो पीएल में दिखा तो रहा है कि नेट प्रॉफिट में आ गया बट वो अपने उसके मेन काम से आया कि कोई और काम से आया। तो ये सब जो अपने बोलते हैं ना, क्या बंगाली में एक वर्ड है आलोचना, ठीक है, आलोचना बंगाली में, आलोचना कुर्छी, आलोचना कोरबो, ठीक है, वैसे ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एनालिसिस, क्या चीज़ का, पीएल और बैलेंस शीट का, क्या करेंगे एनालिसिस, वी विल डू एनालिसिस ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट टू फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी दैट हैपेंड विद द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सो फॉर दैट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू हैव सम रेशियोज, एंड हाउ विल द रेशियो कम, इधर बाई टेकिंग टू नंबर्स फ्रॉम पी एल इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल यू टुक जी पी एंड सेल्स, सो इफ यू डिवाइड जी पी बाई सेल्स इट बिकम्स जी पी रेशियो, सो दैट हेल्प्स यू टू डिटरमाइन हाउ मच प्रॉफिट यू आर अर्निंग फ्रॉम योर प्रोडक्ट्स बाई सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। जी पी रेशियो टेल्स अस हाउ मच प्रॉफिट यू आर अर्निंग बाई सेलिंग द प्रोडक्ट्स। सिमिलरली यू कैन हैव अ रेशियो लाइक करेंट रेशियो विच इज़ टू नंबर्स टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट इट सेल्फ, करेंट एसेट बाई करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट्स बाई करेंट लाइबिलिटी इज वॉट, करेंट रेशियो, एंड दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ करेंट एसेट्स यू पोजेज विथ रेस्पेक्ट टू योर करेंट लाइबिलिटी। इफ यू हैव लाइबिलिटीज मोर देन द एसेट देन दैट मीन्स देर इज अ डेंजर इन द कंपनी, इफ यू हैव एसेट्स मोर देन द लाइबिलिटी देन दैट मीन्स यू आर इन सेफ जोन। सो यू सी हाउ आई मेड द रेशियो, वन इज टेकिंग टू आइटम्स फ्रॉम द पी एल दैट इज़ जी पी एंड सेल्स, वन इज़ टेकिंग टू आइटम्स फ्रॉम द बैलेंस शीट दैट इज़ करेंट एसेट वैल्यू एंड करेंट लाइबिलिटी वैल्यू, द थर्ड वन कैन बी आई कैन टेक वन फ्रॉम पी एल एंड अनदर फ्रॉम बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक सेल्स एंड फिक्सड एसेट टू अंडरस्टैंड हाउ मच सेल्स इज जनरेटेड फ्रॉम वन रुपी इन्वेस्टेड इन फिक्सड एसेट विच वी कॉल एज फिक्सड एसेट टर्न ओवर रेशियो। सो सेल्स एंड फिक्सड एसेट दैट इज हाउ माई फिक्सड एसेट इज हेल्पिंग मी टू जनरेट द सेल्स, ठीक है, हाउ मच सेल्स वी आर जनरेटिंग फ्रॉम वन रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, सो वेदर इन्वेस्टिंग इन फिक्स एसेट इज वर्थ वाइल और नॉट, सो दैट इज ऑल्सो वी आर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस वे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ आवर कंपनी इन मोर डिटेल्स विच आर नॉट अपेरेंटली अवेलेबल इन आवर बैलेंस शीट। सो बाई ट्विस्टिंग द इंफॉर्मेशन गिवेन इन द बैलेंस शीट एंड पी एल वी कैन अंडरस्टैंड
द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। सो अगेन इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है कि जो भी रेशियो आ रहा होता है किसी भी कंपनी का, कोई भी आप रेशियो निकालेंगे, चाहे करेंट रेशियो, चाहे जीपी रेशियो, चाहे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, तो कोई भी रेशियो खराब या अच्छा नहीं होता है अगर आप इंडिपेंडेंटली उसको देखोगे। अगर एक रेशियो आपने देखा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, तो आप ये नहीं बोल सकते खराब है, ये कम है, ठीक है। अगर आपने करंट रेशियो देखा है कंपनी का 1.5 टाइम्स है, तो आप ये नहीं बोल सकते कम है या ज़्यादा है। आपको हमेशा आइडिया लगाना पड़ता है बाई कंपेयरिंग दैट कंपनीज रेशियो विथ इट्स कॉम्पिटिटर्स रेशियो। कैसे आइडिया लगाते हैं कि हम लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है, हम लोगों का एक्टिविटी इंटरनली कैसा चल रहा है, हम लोगों का इंटरनली एक्टिविटी कैसा चल रहा है, ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे हम लोगों का एक्टिविटी इंटरनली कैसा चल रहा है। कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर हम तब करेंगे जब हम अपना परफॉर्मेंस को, अपना रेशियो को अपने कॉम्पिटिटर के रेशियो से कंपेयर करेंगे, तो पता चलेगा हम कैसा कर रहे हैं, है ना। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा है, डिटेल नहीं मिल पा रहा कॉम्पिटिटर का कोई कारण से, आप अपना चाहो तो अपना परफॉर्मेंस को अपने इंडस्ट्री का एवरेज से भी कंपेयर कर सकते हो। इंडस्ट्री का एवरेज क्या होता है? ये जैसे आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप टायर इंडस्ट्री में हैं, आपका कंपनी टायर इंडस्ट्री में, तो टायर इंडस्ट्री का अपना एक एसोसिएशन होता है, आप उस एसोसिएशन के मेंबर बन जाइए, तो एसोसिएशन से बहुत सारे डेटा मिलते हैं, उससे आप कंपेयर करके देखो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और मेरा क्या चल रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि आप अच्छे हो कि बुरे चल रहे हो, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए एक टायर इंडस्ट्री में आप काम करते हो, आपका करंट रेशियो 1.6 टाइम्स आ रहा है, वहीं एक कोई कंपनी है जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है, उसका करंट रेशियो 2.5 है, तो आप दुखी हो जाओगे, अरे देखो उसका 2.5 आ रहा है और इस मेरा तो 1.5 आ रहा है, तो दैट्स नॉट लॉजिकल। यू हैव टू कंपेयर योर रेशियो विथ योर कॉम्पिटिटर और विथ योर इंडस्ट्री। यू कैन नॉट कंपेयर योर रेशियो विथ एनी आउटसाइड द इंडस्ट्री, एनी कंपनी आउटसाइड द इंडस्ट्री। सो दैट्स द सोल आइडिया ऑफ रेशियो एनालिसिस। जैसे आपका आपका एक एग्जाम्पल सोचो ना, आप लोग अभी सब क्या कर रहे हो, CA CMA CS की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो CA CMA CS की पढ़ाई में क्या हो रहा है, CA CMA CS की पढ़ाई में क्या हो रहा है इधर, कि आप अगर एग्ज़ाम में यहाँ पर 60 भी ले आते हो ना, 60, तो आप खुश हो जाते हो एकदम, वाह 60 आ गया। बट अब यही 11 12 से अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे, तो वहाँ पे 60 का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू ही नहीं है, वहाँ पे 60 आया नहीं आया बात बराबर है, वहाँ पे 90 बिना कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, यहाँ पे सीए में 60 का भी रेस्पेक्ट है। तो दिस इज़ द थिंग, यू हैव टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद समवन हु इज ऑल्सो डूइंग सीए। यू कैन नॉट कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद समवन हु इज डूइंग बीकॉम और 11 एंड 12। सो यू हैव टू बी विद इन योर इंडस्ट्री, करेक्ट। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ रेशियो एनालिसिस। नाउ वट इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग रेशियो एनालिसिस? देर इज सम ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग रेशियो एनालिसिस। वॉट इज दैट? वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई आवर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी। वॉट वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी। वॉट डज दिस मीन? वेदर आवर कंपनी विल रिमेन सॉल्वेंट इन इन दिस कमिंग 1 ईयर और नॉट। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि हम लोग अपनी लाइबिलिटीज़ को विद इन दिस 1 ईयर पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? हम लोग अपनी लाइबिलिटी को विद इन दिस ईयर पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। हमारी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, जो आने वाले साल में आने वाली है, हम लोग उसको पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे, दैट इज़ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सिमिलरली देर इज़ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी विच टॉक्स अबाउट कि हम अपने 5 साल में आने वाले बड़े बड़े लाइबिलिटीज़ को टाइम पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने लोन लिया हुआ है जिसका रिपेमेंट 5 साल बाद करना है, तो हम उसको पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। तीसरा आ रहा है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा बिजनेस में रोज़ रोज़ का जो काम होता है कि मटेरियल लेके आना, सप्लायर का पेमेंट करना, फिनिश गुड्स बनाना, फिर कस्टमर्स को सेल करना, कस्टमर से रिकवरी करना, ये रोज़ रोज़ के जो हमारे ऑपरेशंस हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि हमारे कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उससे एंड में हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। पहला चीज़ आ रहा है कि हम आने वाले समय में अपने आप को सॉल्वेंट रख पाएंगे कि नहीं। दूसरा आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रख पाएंगे कि नहीं।
तीसरा आ रहा है हमारी एक्टिविटीज़ चल रही है कि नहीं, चौथा आ रहा है हमारे प्रॉफिट आ रहे कि नहीं आ रहे। अब जरूरी नहीं होता कि सब कनेक्टेड हो, जैसे हम हो सकता है इस शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट नहीं है बट हम लॉन्ग टर्म में बहुत सॉल्वेंट है। अभी जैसे सिनेरियो ख़राब चल रहा है, बाजार का माहौल ख़राब है, तो शॉर्ट टर्म में हम क्राइसिस में हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लॉन्ग टर्म में हमेशा क्राइसिस में ही रहेंगे, ठीक है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता कि शॉर्ट टर्म में आज हम एकदम सही हैं तो लॉन्ग टर्म में भी हम सही रहेंगे, हो सकता है लॉन्ग टर्म में हम ख़राब होने वाले हो। फिर बात होती है कि हम सॉल्वेंट हैं चाहे इनसॉल्वेंट है, बट हमारी एक्टिविटी कैसी चल रही है। एक्टिविटी मतलब जो रोज़ का रूटीन जॉब है फैक्ट्री में, वो सब प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक्टिविटी बहुत अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट भी आ रहा। आप गुड्स को लॉस में बेचो, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो ज़्यादा कस्टमर आ रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट कमा ही रहे हो। तो एक्टिविटी अच्छा होना और प्रॉफिट आना कोई ज़्यादा वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक्टिविटी अच्छा होगा तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा, ठीक है। सो आपको देखना पड़ता है कि कंपनी के सिनेरियो में कहाँ से क्या चल रहा है। जैसे कोई भी बैंक वैंक में हम लोग लोन वोन लेने जाते हैं तो बैंक पता है हम लोगों से सबसे पहले बोलता है लास्ट 3 साल का PL दो, लास्ट 3 साल का बैलेंस शीट दो। तो वो क्या दिखता है उसमें 3 साल का PL और बैलेंस शीट में? वो तो हमसे आके हर रोज़ का नहीं पूछ सकता ना कि आप कैसे करते हो अपना काम, समझाओ बताओ क्या कर रहे हो, हम खड़े होकर देखेंगे फिर आपको रुपए देंगे। वो लास्ट 3 साल का PL बैलेंस शीट से ऐसा कुछ रेशियोज़ निकालता है और चेक करता है कि आपका कंपनी एक्चुअल में लास्ट 3 साल से कैसा करता आ रहा है। उससे उसको आइडिया लगता है कि इस कंपनी को आगे प्रोसेस करना है कि नहीं, मतलब इसका लोन आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों को अगर किसी का इनसाइट्स चाहिए तो PL बैलेंस शीट मंगा के हम लोग देख लेते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट आ रहा है यूज़ ऑफ रेशियो एनालिसिस। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेशियो एनालिसिस? यूज बाई वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स शुड यूज़ इट बिफोर इन्वेस्टिंग। जैसे आप लोग फाइनल में आओगे ना तो SFM नाम का सब्जेक्ट पढ़ते हो। अब SFM नाम का सब्जेक्ट में मेनली सिखाया जाता है कि आप अपना कंपनी का रुपया को और ग्रो कैसे करें बाय इन्वेस्टिंग इन सम अदर कंपनी, या आप अपना पर्सनल रुपया को ग्रो कैसे करें बाय इन्वेस्टिंग इन सम कंपनीज। नो बिफोर इन्वेस्टिंग यू डोंट नो हाउ दैट कंपनी इज़ परफॉर्मिंग, सो यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ एनालिसिस टू अंडरस्टैंड हाउ दैट कंपनी इज़ परफॉर्मिंग, एंड रेशियो एनालिसिस वन ऑफ सच थिंग। सो शेयर होल्डर्स डू दिस एनालिसिस, बैंक्स डू द एनालिसिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डू द एनालिसिस। वाई दे विल डू? बिकॉज दे वॉन्ट टू इस्टेब्लिश सम काइंड ऑफ लोन रिलेशनशिप विद द कंपनी। मेनी बैंक्स डू वॉट यू नो, दे डोंट प्रोवाइड लोन डायरेक्टली टू द एनी कंपनी, बट दे मे बाय डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी एज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इन इनडायरेक्ट टर्म्स दे आर प्रोवाइडिंग लोन टू दैट कंपनी। सो इफ दैट हैपन्स देन दे नीड टू डू रेशियो एनालिसिस। गवर्नमेंट ऑल्सो विल डू योर रेशियो एनालिसिस to find out whether you are paying tax to them regularly or not, how you are performing, should you be given any license or not, something like that, to analyze the financial position of a company that ensures optimum decisions for transacting with the company. The main idea is basically ratio analysis से हम लोग समझ लीजिए, आप अपने individual में ना हम लोग बनाते हैं ना जन्म पत्री, वैसे ही company का हम लोग जन्म पत्री बनाते हैं कि कंपनी शुरू से कैसा चल रहा है, भविष्य कैसा है। हालांकि रेशियो एनालिसिस का एक ही लिमिटेशन है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, लिमिटेशन है इसका क्या कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग को ये सब पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग अपनी इच्छा मुताबिक भी कभी कभी मॉडिफाई कर सकते हैं बाय स्टेइंग विद इन द लॉ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी विंडो ड्रेस्ड, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेस्ड। विंडो ड्रेस मतलब सजाया हुआ हो सकता है, मतलब रियलिटी नहीं हुआ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रियलिटी नहीं दिखाया गया, कुछ उसमें इधर उधर इंफॉर्मेशन को हाइड किया गया है या फिर मैन्युपुलेट किया गया है, तो पूरा एनालिसिस ही मैन्युपुलेटिव हो जाएगा, पूरा आउटकम ही मैन्युपुलेटिव हो जाएगा। सो इसलिए बोलते हैं कि कभी भी किसी भी कंपनी का जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टेक्निक। यू कैन नॉट अज्यूम दैट रेशियो एनालिसिस इज द ओनली टेक्निक, आप ऐसा नहीं मानना। रेशियो एनालिसिस को एक तरीका मानना, ये नहीं मानना कि ये ही आपका होल एंड सोल है, आपको और भी मल्टीपल तरीके से इवेल्युएट करना चाहिए, दैट्स द आइडिया, ठीक है। सो नेक्स्ट आ रहा है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट सर ने बनवा दिया है, वो है रेशियो एनालिसिस का चार्ट, जिसमें एक ही पेज में हमने सारे फॉर्मूलाज को उतरवा दिए। सो
ये चार्ट आपको सारा फॉर्मूला याद दिला देगा, बस एग्ज़ाम के पहले यही 10 बार देख लेना है। 10 बार सारा रेशो मुंह जबानी याद होना चाहिए, 10 बार देख लेंगे पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सो ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट इज़ इट कवर्स ऑल द इम्पॉर्टेंट रेशियोज दैट यू नीड टू नो, ओके, विद इन वन पेज, इन जस्ट वन पेज। ओके, सो वॉट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू नाउ एंटर इन टू सेवरल रेशियोज टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेट दोज एंड वॉट इज़ द इंटरप्रिटेशन। सो फर्स्ट ब्रांच में हमारे, इफ़ यू सी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, इट इज़ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियोज। कैन यू सी हियर? येस, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियोज, गॉट इट? सो हियर वॉट वी डू इज, हियर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेदर आवर कंपनी इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मीन्स इसके पास कैश हाथ में रहता है कि नहीं रहता है इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर। विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर उसका हाथ में कैश वगैरह रहता है कि नहीं रहता है, और रहता है तो उसको ऑफकोर्स किस लिए रखते हैं अपने हाथ में कैश, अपने वॉलेट में कैश क्यों रखते हैं? वॉलेट में कैश इसलिए रखते हैं कि हम लोगों का जो डे टू डे एक्सपेंस है वो मीट हो जाए, राइट? तो वैसे ही वो कैश कंपनी हाथ में जो रखता है शॉर्ट पीरियड के लिए, वो अपना कोई डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए रखता है, डे टू डे लाइबिलिटीज़ के लिए रखता है। तो पॉइंट ये कि वो उसको मीट कर पा रहा है तो हम मान लेंगे कि वो शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है, मीट नहीं कर पा रहा है उसमें डिले हो रहा है उसका तो सॉल्वेंट नहीं है। इट्स सो सिंपल, अगर मीट कर पा रहा है तो सॉल्वेंट है, मीट नहीं कर पा रहा है तो सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस मुझे जानना है कि आप कितना कमाते हो, ठीक है, आपका डे टू डे कमाई कितना है अगर जानना है, तो एक तरीका होता है कि मैं आपसे ये पूछूं भैया कितना कमाते हो, तो आप बोलोगे मेरा पीएल देख लो। अब पीएल से मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आप तो मुझे रोज़ रोज़ का तो बता नहीं रहे, मंथली बता नहीं रहे, पीएल से मुझे उतना क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे को डाउट हो रहा है कि आपने पीएल में कुछ भी लिख दिया होगा, कुछ भी रूटीन में कुछ इधर उधर से लॉटरी खेल कर कमाया तो भी दिख रहा है उसमें, और कभी मान लीजिए कोई घुड़सवारी में जीत गए गैम्बलिंग तो वो भी दिख रहा है मुझे, और कभी कोई के ऊपर केस किया और केस जीत गए तो वो कमाई भी दिख रहा है। तो मेन कमाई क्या चीज़ से आता है? रूटीन, वो नहीं पता चलेगा हमें। तो उस पद को पता करने का तरीका क्या होता है कि हम ये देखें कि आप अपना लाइबिलिटीज़ जो रूटीन में आता है उसको कैसे पे कर पाते हैं, और उसके बाद आपके पास भी सरप्लस रहता है कि नहीं रहता है। तो हमने सोचा कि आपका जो रूटीन लाइबिलिटीज़ है उसको यदि आप पे कर पा रहे हो, ओके, तो आप ऑफकोर्स सॉल्वेंट हो, कमाई ला रहे हो तभी पे कर पा रहे हो, नहीं तो पे कैसे कर पाओगे? ठीक है, जैसे कई बार होता है ना हम लोगों के कल्चर में अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल से सोचो, अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़की वाले लड़के से पूछने जाते हैं कि आप क्या कमाते हो, करेक्ट? अब लड़का तो सीधा सीधा बोल देगा मैं तो महीने का 1 लाख रुपया कमाता हूँ। अब उसका तो प्रूफ नहीं मांगा जा सकता ना कि अपना पीएल दिखाओ, अपना सैलरी रिसीट दिखाओ, ये सब तो मांगा नहीं जाता है। मांगा जाए तो सिस्टम बन जाए तो बहुत ही अच्छा, बट मांगना तो नहीं चाहिए। तो कैसे पता करें लड़का जो बोल रहा है वो सच है कि नहीं? तो कैसे पता करें? तो फिर हम लोग चेक करते हैं भाई आपका जो घर है वो आपका ओन्ड है कि आपका रेंटेड है, और आपकी कोई लाइबिलिटीज़ आती है क्या डे टू डे में, ऐसे पता कर सकते हैं। और वो लाइबिलिटीज़ को यदि वो पे कर पा रहा है टाइम पर, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, तो ऑफकोर्स सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है मतलब डूबने वाला तो नहीं है, बट आज अगर चला पा रहा है इसका मतलब जीवन भर वो घर अच्छे से चला पाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी डज नॉट गारंटी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो हम लोग कंपनी के लिए भी ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस का नाम है करेंट रेशियो। एनालिसिस का क्या नाम है? पहला करेंट रेशियो। करेंट रेशियो कैसे निकालते हैं? सबको पता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज़। अगर मेरे पास करेंट लाइबिलिटीज़ 5 लाख का है और करेंट एसेट्स 10 लाख का है, तो मैं बोलूँगा मेरा करेंट रेशियो 2 टाइम्स है। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं 2 टाइम्स ही बेस्ट हो, मैंने बोला ना 1.5 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपका इंडस्ट्री क्या चीज़ का है। हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक बेंचमार्क होता है, बट हाउएवर कुछ कुछ रेशियो में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे बैंक्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपना कुछ नॉर्म्स बना लिया कि चाहे जो भी हो कम करंट रेशियो मेरे को हर इंडस्ट्री में हम तभी घुसेंगे
जब मेरे को एटलीस्ट 2 मिलेगा, 2 से ज़्यादा मिला तो बहुत अच्छा, 2 से कम मिलेगा तो हम नहीं घुसेंगे। बैंक लोग अपना नॉर्म बना देते हैं, तो ऐसे ही एक स्टैंडर्ड नॉर्म बन गया। स्टैंडर्ड नॉर्म मतलब ये प्रचलित है, लोग मानते हैं कि चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, करंट रेशियो तो 2 टाइम्स होना चाहिए। व्हाट डज दिस इंडिकेट? करंट रेशियो 2 टाइम्स क्या इंडिकेट करता है? करंट रेशियो 2 टाइम्स इंडिकेट करता है कि आपका आपका करंट एसेट इज़ ट्वाइस द करंट लायबिलिटी। मीन्स आपका देने का अगर 5 लाख है तो लेने का 10 लाख है। तो जिस कंपनी का देने का 5 लाख है, लेने का 10 लाख है, तो सॉल्वेंट ही है ना, उसका तो आना ज़्यादा है, देना कम है। बट ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कोई भी चीज़ पे। क्यों? क्योंकि कई बार होता है जिससे लेना था वो सब सरेंडर कर दिया और देने वाला लोग पीछे पड़ गया, हमें देना ही पड़ गया, लेना का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, इसीलिए शायद जैसे 5 लाख देना है और 10 लाख लेना है ना, 5 लाख देना है और 10 लाख लेना है, तो हम क्यों स्टैंडर्ड नॉर्म को 2 बनाते हैं ना? क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं। कंजर्वेटिज्म बोलते हैं मानो तुम्हारा नुकसान होगा, मानो बेटा तुम गए, मानो अपने आप को कि तेरी लग गई, तेरी वाट लग गई, तेरी वाट लगने वाली है। ठीक है, मतलब लेने वाला छोड़ेगा नहीं, देने वाला देगा नहीं, मतलब समझे? करंट रेशियो क्या अज्यूम कर रहा है? स्टैंडर्ड नॉर्म बोल रहा है मानो तुम्हारी वाट लग गई है, और वाट लग गई इसका मतलब देने वाला तुम्हें देगा नहीं और लेने वाला तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मतलब लायबिलिटीज आपको पूरा देना ही पड़ेगा, देने वाला भाग जाएगा, आपको जो एसेट्स है रिकवर करने का वो भाग जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम लोग मान रहे हैं कि कितना, अगर मेरा 10 लाख का करेंट एसेट है, मान लो आधा भाग भी गया, ऐसे ही सोचना, मान लो आधा भाग भी गया तो भी तो 5 लाख मेरे को मिलेगा। ठीक है, तो भी तो ये 5 लाख मेरे को मिलेगा, तो 5 लाख तो मैं दे ही दूंगा। इतना तो बुरा नहीं हूँ कि पूरा 10 का 10 गाप भाग जाएगा, कुछ तो वजूद है हमारा भी कि 10 का आधा भी आ जाएगा तो भी मेरा लाइबिलिटी मीट हो जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड नॉर्म को 2 टाइम्स बनाया गया है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये स्टैंडर्ड नॉर्म को याद रखना है क्या? बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स वाई आई हैव रिटन। कभी कभी कुछ कॉमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड नॉर्म को यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट सेकेंड रेशियो आ रहा है क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं? क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटीज़। क्विक एसेट कैसे आता है? करंट एसेट में से स्टॉक को हटा देंगे, करंट एसेट में से स्टॉक को हटा देंगे, और एक चीज़ हटता है जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस करते हैं और एक प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस करते हैं तो क्विक एसेट्स आता है, और क्विक लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी करते हैं। ठीक है, अब क्विक और करंट में क्या फ़र्क है? करंट मतलब टोटल हो गया, और क्विक मतलब ऐसे चीज़ हो गए जिसका आना जाना फास्ट रहता है। जैसे करंट एसेट में आपको पता है क्या क्या चीज़ आता है, स्टॉक। स्टॉक को माइनस इसलिए करें क्योंकि स्टॉक का क्या होता है ना, जैसे ही स्टॉक बिक जाता है, स्टॉक आपका एसेट है जो बिक जाएगा तो कैश आ जाएगा, और कैश आ जाएगा यदि तो उसके बाद वो वापस री इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर रेगुलर बिजनेस है ना, रूटीन बिजनेस है, तो कैश विल बी री इन्वेस्टेड। कैश हमेशा क्या होता है? री इन्वेस्ट होता है। कैश हमेशा री इन्वेस्ट होता है स्टॉक में। ठीक है, तो वो रूटीन चलते रहता है, स्टॉक में आना जाना चलते रहता है, आया भी और गया भी। तो स्टॉक जैसे कभी भी किसी दुकान में भी कहीं से स्टॉक बिक जाएगा तो वापस उसको स्टॉक नया लाना पड़ेगा ना, इसलिए वो स्टॉक उनका क्विक एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक को बेच के कोई रुपया अपने घर में लाता है ना, तो जस्ट मार्जिन ही लाता है थोड़ा सा, पूरा रुपया उसका नहीं होता है भाई, बिकॉज उस रुपए से वापस उसको स्टॉक खरीदना ही पड़ेगा। अगर वो वापस स्टॉक नहीं खरीदेगा तो उसका बिजनेस चलेगा कैसे? तो स्टॉक का रुपया वापस स्टॉक में जाता रहता है, बहुत मार्जिनली कैश रिलीज होता है उसमें, इसलिए उसको हम क्विक एसेट्स नहीं बना रहे। स्टॉक जनरली कब हमारा कैश में कन्वर्ट होता है पता है? जब हमारा उस पर्टिकुलर आइटम का बिजनेस हम लोग बंद कर रहे हैं या फिर पूरा बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं स्टॉक को लिक्विडेट करो। स्टॉक लिक्विडेशन कब होता है? जब हम लोग पूरा उस चीज़ का बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, तब स्टॉक से कैश आना शुरू होता है। लिक्विडेट करना मतलब कैश में कन्वर्ट करना। सो स्टॉक को हटा दिया जाता है क्विक एसेट से, और प्रीपेड एक्सपेंस को इसलिए हटा दिया जाता है बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंस का रूल क्या होता है कि आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, एक एडवांस पे कर दिया, उसके बदले आपको कैश तो नहीं मिलेगा ना, उसके बदले तो बेनिफिट से मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस से क्या आप अपना कोई लाइबिलिटी का भुगतान कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस को भी हटा दिया। फिर करेंट लाइबिलिटीज़ में देखिए, बैंक ओडी को क्यों हटा दिया? बैंक ओडी और स्टॉक है ना जनरली कनेक्टेड रहता है। बैंक बोलता है कि मेरे को जब भी बैंक ओडी मैं दूंगा तुम्हें, तो मुझे स्टॉक आप कोलेटरल में रखवा देना। कोलेटरल मतलब स्टॉक के ऊपर हाइपोथेकेशन क्रिएट किया जाता है कि कल को यदि आपने बैंक ओडी पेमेंट नहीं किया तो बैंक आके आपका सारा स्टॉक को कंट्रोल कर लेगा, रोक लेगा,
क्रिस्टलाइज कर लेगा, या समझ लो सीज कर लेगा, और फिर उसके बाद आप उस स्टॉक को बेच नहीं पाइएगा, फिर बैंक ही उस स्टॉक को लिक्विडेट करके अपना ओडी का अमाउंट रिकवर करेगा। तो बैंक बोलता है एज लॉन्ग एज यू हैव स्टॉक आई डोंट हैव एनी हरी इन रिकवरिंग ओडी फ्रॉम यू, एज लॉन्ग एज यू हैव द स्टॉक आई डोंट हैव एनी हरी इन रिकवरिंग बैंक ओडी फ्रॉम यू, गॉट इट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, एज लॉन्ग एज यू हैव द स्टॉक आई डोंट हैव एनी हरी फॉर रिकवरिंग बैंक ओडी फ्रॉम यू। सो बैंक ओडी एक ऐसा चीज़ है जिसका पेमेंट का हड़बड़ नहीं है, बाकी जो लाइबिलिटीज़ है वो आपको देते रहना पड़ता है, ठीक है। तो जो बाकी लाइबिलिटीज़ हैं वो सब क्विक लाइबिलिटीज़ हो गए क्योंकि उसको फटाफट देना है, और स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ के जो एसेट हो गए वो आपके क्विक एसेट्स हो गए क्योंकि उसका फटाफट रिकवरी होगा, करेक्ट। एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो क्विक एसेट में आ गया डेटर्स, क्विक एसेट में आ गया रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है, और क्विक लाइबिलिटीज़ में मेनली आ गया क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई लेबर का या कोई अदर एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री। तो क्विक लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेबल आ गया, क्विक एसेट्स में डेटर्स आ गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया, ठीक है। तो क्विक एसेट्स और क्विक लाइबिलिटीज़ का जब रेशियो बना रहे हैं उसको बोला जा रहा है क्विक रेशियो, एंड इसका स्टैंडर्ड नॉर्म है कितना, वन। इसका स्टैंडर्ड नॉर्म क्या है, वन। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड नॉर्म, वन, ठीक है। वन मतलब अगर जितना क्विक एसेट्स है उतना क्विक लाइबिलिटीज तो भी ठीक है, बट करेंट एसेट में डबल चलता है, इसमें वन चलता है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट पूछ रही है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट में सिर्फ दो टाइप का रेशियो दिखा रहा है, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में या लॉन्ग टर्म में कौन कौन सा रेशियो निकाले? आप प्लीज़ फॉलो करिए मेरा नोट्स को, अभी इंस्टीट्यूट मैट में क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ आप मुझे मत बताइए कृपया करके, वहाँ पे जो दिया हुआ नहीं दिया वो सही है गलत है मुझे नहीं पता अभी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ भी कान खोल के सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए और किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसको ध्यान से सुनो, आपका एग्ज़ाम का सारा सम बन जाएगा। इंस्टीट्यूट मैट से मैचिंग कराओगे तो आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं बोला ऐसा कि मैं सिर्फ जो इंस्टीट्यूट मैट में दिया हूँ उसी से सब कुछ पूछूंगा, इंस्टीट्यूट मैट इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज़, ओके। सो आप लोग यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हो, ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ओके। तो आइए नेक्स्ट आ रहा है सुपर एसिड टेस्ट रेशियो, सुपर एसिड टेस्ट रेशियो को सुपर क्विक रेशियो भी बोलते हैं। इसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि कभी कंपनी के ऊपर कोई अर्जेंसी आ गया कोई लाइबिलिटी मीट करने का तो वो कैसे मीट करेगा, कि मीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप करेंट एसेट सारा देखोगे उचित नहीं है, बिकॉज करेंट एसेट में ऐसे आइटम होता है जैसे स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, उसका हम लोग जनरली कैश एलाइज करते ही नहीं है, अपने हाथ में फंड ला ही नहीं पाते उसका। अगर आप क्विक एसेट्स देखोगे तो क्विक एसेट्स में फिर डेटर्स होते हैं, बिल्स रिसिवेबल होते हैं। अब डेटर्स ऐसा थोड़ी कि अभी का भी पैसा मांगेंगे तो दे देगा, फिर तो वो कैश में ही खरीद के ले जाता आपसे, उसको तो उतना क्रेडिट पीरियड के बाद ही आप रुपया मांग सकते हो उससे आप। तो अल्टीमेटली आपका इमरजेंसी कोई लाइबिलिटी आ गया तो आप कैसे मीट करोगे, उसको मीट करने का एकमात्र जरिया कि आपके पास जो हाथ में कैश है और कैश इक्विवेलेंट है, कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक बैलेंस या फिर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने इधर उधर कर रखा है, तो वो दैट विल हेल्प यू टू डिटरमाइन वेदर यू विल बी एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ इमीडिएट पेमेंट टू योर क्रेडिटर्स और नॉट। सो दिस इज कैश अमाउंट, इसमें हम लोग और भी बोल सकते हैं एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी और क्विक लाइबिलिटी एज पर द गिवन इन, एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। नाउ देर इज़ अनदर थिंग, डिफेंस इंटरवल। डिफेंस इंटरवल क्या होता है, जैसे आपके पास जो कैश बैलेंस है वो आपको कितना दिन तक अपने आप को चलाने में मदद करेगा, ठीक है। अगर मेरे पास 5,000 रुपया है और मेरा डेली खर्चा मान लीजिए 1,000 रुपया है, मेरे पास हाथ में 5,000 रुपया और मेरे पास डेली एक्सपेंस मेरा 1,000 रुपीज़ है, तो मेरा जो कैश बैलेंस है वो मुझे 5 दिन तक चलाने में हेल्प करेगा, समझ गए। तो आपका डिफेंस इंटरवल बताता है कि आप कितना दिन का पार्किंग करके रखें, पार्किंग वो समझते हैं, सेफ करके रखें। और ये ज़रूरी होता है, कंपनी में कोई ज़रूरी नहीं होता, ये 4-5 दिन से काम नहीं बनता, कम से कम हम लोग बोलते हैं लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पे कि 6 महीना तक का पार्किंग करके रखना चाहिए। अभी जैसे सब कॉन्टिजेंसी आना शुरू हुआ ना, मैं आपको बताऊँ ये जो पेंडेमिक आया, सबसे पहला काम मैंने क्या किया अपने लिए कि जो मेरे यहाँ पर डेली एक्सपेंसेस हैं मैंने उसका लिस्ट बनाया,
डेली एक्सपेंस मतलब एवरी डे नहीं लगता, वो मंथली से डिवाइड बाई मान लीजिए पर डे कर लिया, या फिर एनुअल एक्सपेंस को भी जोड़ के डिवाइड बाई 365 डेज कर सकते हो। तो डेली एक्सपेंस का लिस्ट बनाया और फिर एकदम स्ट्रिक्टली, जैसे ही पेंडेमिक में पहला दिन मेरा ऑफिस खुला, मैं खोल पाया, उसी दिन प्लानिंग ये किया कि जो आने वाला 6 महीना का मेरा एक्सपेंस है, समझ गए, वो मेरे को कैश में उठा के या कैश इक्विवेलेंट में उठा के रख देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफेंस इंटरवल। जिसका डिफेंस इंटरवल का पीरियड स्ट्रांग होगा वो ज़्यादा दिन चल पाएगा ना। अगर हम लोगों का डिफेंस इंटरवल नहीं है तो हम लोग तो छोटा मोटा मतलब वही मजदूर जैसा हो जाएगा कि 2 दिन कमाई नहीं हुई तो भाई भूखे मर गए। ठीक है, डिफेंस इंटरवल कम से कम लाइफ में 6 महीना का होना चाहिए और ग्रेजुअली 6 महीना का तो एनी टाइम होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कंपनीज में, बड़ा बड़ा कंपनीज में साल भर या 5 साल, मैंने सुना है ऐसा ऐसा भी कंपनी सुना है प्राइवेट लेवल में जो बोलते हैं हम लोगों का डिफेंस इंटरवल का जो पीरियड है वो 10 साल का है। आज का स्टेटस पे 10 साल तक का डिफेंस इंटरवल सेट किया हुआ है, समझ गए, मतलब इतना कैश इक्विवेलेंट उठा के रख दिया गया है कि 10 साल तक भी अगर हम लोगों को कुछ होता रहा तो भी हमें अफेक्ट नहीं होगा। एंड इंटरेस्टिंग बात, वो भी जो अमाउंट है वो भी हमारा इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम का जो कैश इक्विवेलेंट है दैट इज़ इक्वल टू 10 साल। सो दैट्स हाउ यू नो वी सेफ गार्ड आवर सेल्व, दैट्स हाउ वी सेफ गार्ड आवर सेल्व। डिफेंस इंटरवल से हम थोड़ा और रिस्क फ्री रहते हैं। हर इंसान का भी डिफेंस इंटरवल होना चाहिए और हर कंपनी का होना चाहिए। सो मोटा बात यही कि दोस्त, 4 इंपॉर्टेंट रेशियो था, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, सुपर क्विक रेशियो, डिफेंस इंटरवल। मेरे साथ बोलो 4 रेशियो का नाम, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, सुपर क्विक रेशियो, डिफेंस इंटरवल। करेंट रेशियो वापस से मेरा नाम लेके बोलो, सतीश सर बुलवा रहे, करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का कैलकुलेशन है CA/CL, नॉर्म है 2। सेकेंड है क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स बाय क्विक लाइबिलिटीज, नॉर्म है 1। थर्ड है सुपर क्विक रेशियो विच इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाय क्विक लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज़ का कोई नॉर्म नहीं है। फिर लास्ट है डिफेंस इंटरवल। डिफेंस इंटरवल में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो कितना दिन चल पाएगा, इसलिए डिवाइड बाय करना है आपको एवरेज ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे। एवरेज ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे कैसे आएगा, एवरेज ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे कैसे आएगा, टोटल एक्सपेंस ऑफ द ईयर डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज, या टोटल एक्सपेंस ऑफ द मंथ डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज, ऐसे आ जाएगा। ऐसा देखिए, क्लास में जब इसको पढ़ाते हैं ना तो हर एक रेशियो पे छोटा छोटा एग्जाम्पल कराते चलते हैं, बट अभी वो चीज़ संभव नहीं है। अभी अपने जब एग्जाम्पल करेंगे तो फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल्स हमारे सामने आपको दिख रहा होगा, वो सारा रेशियो में से कोई भी रेशियो उठ के आ जाएगा। तो फिलहाल मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए सारा रेशियो को, फिर ही हम आपके साथ एग्जाम्पल में जा पाएंगे। सो दोस्तों, मैं आपके साथ चला आया अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का दूसरा नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर मैं पिछले दिन ही आपको बता रहा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कि आपका कंपनी में कैपिटल चाहिए आपको बिजनेस करने के लिए, वो कैपिटल किस किस मीडियम से आप लेके आओगे, किस किस सोर्स से आप लेके आओगे, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हम लोग किस किस सोर्स से हमारा कैपिटल लेकर आएंगे। जैसे कि कैसे लाते हैं, इक्विटी से और डेट से। ठीक है, डेट माने बोरोड, इक्विटी माने ओन्ड। अब इक्विटी में दो आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ध्यान रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और बोरोड में एक आता है जिसका नाम है डेट। ठीक है, कहाँ कहाँ से रुपया लाते हैं, डेट, बोरोड या अपना ओन्ड, ओन्ड माने इक्विटी। सो हम लोग अब रेशियोज निकाल रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ समझाया था ना, ज़्यादा उधार भी खतरनाक होता है। उधार का फायदा क्या होता है, उधार का फायदा क्या होता है कि आपका मान लीजिए बिजनेस करना है, उधार में रुपया ले लीजिए और अपना रुपया लगाइए, मतलब इक्विटी शेयर से लाइए और अपना बैंक लोन वगैरह ले लीजिए। अब बिजनेस अगर सक्सेसफुल होगा ना, बहुत सही चलेगा, रिटर्न ज़्यादा आएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उधार लिया, क्योंकि उधार वाले को तो एक 10% 15% देना है, फिर बाकी जो बच गए वो ओनर हो गए। अब ओनर में मल्टीपल हेड्स होंगे, मल्टीपल हेड्स यानी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, तो जितने ज़्यादा ओनर होते हैं उतना फिर इनकम पर शेयर या अर्निंग पर शेयर कम होता चला जाता है। तो ओनर कम रखो, उधार लो तो आपके हाथ में ज़्यादा बचेगा, करेक्ट। सो दैट्स द बेसिक आइडियोलॉजी, उधार का फायदा। इसको अपने बोलते हैं, पता है क्या, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट है थ्योरी में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि आप उधार ज़्यादा लेते हो बिजनेस करने के लिए, अपना इक्विटी को कम रखते हो, फिर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हो, तो इक्विटी के पास इनकम ज़्यादा बचता है पर हेड या पर शेयर।
ठीक है। आपको ये समझना पड़ता है कि ज़्यादा उधार, आज बिजनेस चल रहा है तो फायदेमंद है, बट कल को यदि किसी कारण से बिजनेस नहीं चल पाया तो वो उधार डबल एज स्वॉर्ड का काम करता है। मतलब अब वो आपको ऐसा नुकसान भी पहुंचा सकता है कि आपका कंपनी शायद इंसॉल्वेंट हो जाए, क्योंकि उधार वाले तो फिर छोड़ेंगे नहीं कंपनी को, वो तो इंसॉल्वेंट का पूरा इंसॉल्वेंसी का पूरा केस वेस फाइल कर देंगे आपके ऊपर और आपकी कंपनी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उधार में थोड़ा रिस्क तो है ही, इसीलिए बोलते हैं उधार से बच के भी चलो, बट अगर कैलकुलेटेड बेसिस में उधार ले सकते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कमाई पे भरोसा रखो और उधार ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है पहला रेशियो, इसमें उधार रेशियो यानी कि डेट रेशियो। उधार रेशियो माने डेट रेशियो। डेट रेशियो क्या हुआ? डेट डिवाइडेड बाई टोटल टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स माने डेट प्लस इक्विटी, जितना आपका बिजनेस में कैपिटल है। टोटल एसेट्स माने टोटल कैपिटल बोलना चाह रहा हूँ। डेट बाई डेट प्लस इक्विटी इज डेट रेशियो, और उसी तरह से इक्विटी बाई डेट प्लस इक्विटी इज इक्विटी रेशियो। इक्विटी बाई डेट प्लस इक्विटी इज वॉट? दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी रेशियो। ध्यान दे रहे हो ना आप? इक्विटी रेशियो। इसमें अगेन स्टैंडर्ड नॉर्म बना हुआ है कि आपका जो डेट रेशियो है वो 2/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्विटी रेशियो 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब डेट रेशियो 2/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट रेशियो 2/3 से ज़्यादा होगा तो बहुत रिस्क हो गया। इक्विटी 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे ना। अगर ये ज़्यादा नहीं होगा तो फिर ये तो ज़्यादा हो ही सकता है। ये आपका मैक्स है, मैक्स 2/3, ओके। और यहाँ पे मिनिमम ये 1/3 होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेट कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो दोधारी तलवार का काम करता है, ठीक है। 1/3 यानी 0.33। फिर एक और आता है जैसे डेट इक्विटी रेशियो, विच इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दिस डेट एंड इक्विटी। सो ऑफ कोर्स ये 2/3 और इज़ टू 1/3 हो गया, तो 2/3 इज़ टू 1/3 विल बिकम 2:1, कि डेट और इक्विटी का आपस में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए। मतलब जितना इक्विटी उसका डबल तक डेट हो तो ठीक है, डबल से ज़्यादा डेट कभी नहीं लेना चाहिए। फिर एक आता है डेट टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में आप देखिए, वैसे ये टोटल एसेट्स में कई सम्स में, सम्स जब आप करते हो ना, तो टोटल एसेट्स में एक कैपिटल ये हो जाता है, डेट प्लस इक्विटी हो जाता है। तो ये डेट रेशियो और ये डेट टू टोटल एसेट्स ऑलमोस्ट सेम ही लगता है बहुत सारे सम्स में, बट किसी किसी सम में ऐसा होता है ना कि आप मान लीजिए एसेट साइड में क्या है, फिक्स एसेट और करेंट एसेट है, और लाइबिलिटी साइड में क्या है, इक्विटी है, डेट और करेंट लाइबिलिटीज़ भी है। तो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ डिफरेंट हो जाएंगे ना। अगर टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज़ आपके डिफरेंट हो जाएंगे, टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज़ यदि डिफरेंट हो जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो और डिफरेंट हो जाएंगे किससे? डेट प्लस इक्विटी के अमाउंट से। अगर टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज़ डेट प्लस इक्विटी के अमाउंट से डिफरेंट हो जाएंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो डेट टू टोटल एसेट्स पे एक रेशियो निकाला जाता है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट। टोटल एसेट इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट करके निकाला जाता है। वैसे ही इक्विटी में भी हम लोग निकालते हैं, इक्विटी टू टोटल एसेट्स, ओके। इक्विटी टू टोटल एसेट्स इस रेशियो का एक और नाम है, इस रेशियो का एक और नाम है, इसको हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो भी बुलाते हैं, इक्विटी बाई टोटल एसेट्स। अब आपके मन में यदि ये सवाल है कि सर इक्विटी कैसे आता है, इक्विटी कैसे आता है, इक्विटी मतलब अभी मैं बोला था ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी मतलब ओन्ड मनी, ओन्ड मनी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यदि रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो भी वो इक्विटी में ही घुस जाएगा, ओके। क्या क्या बताया अभी तक? डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो, फिर दोनों का रिलेशन डेट इक्विटी रेशियो, फिर डेट टू टोटल एसेट्स, इक्विटी टू टोटल एसेट्स, ओके। इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट आ रहे फिक्स एसेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एम्प्लॉयड, यदि आप बाजार से रुपए ले रहे हो, यदि आप बाजार से रुपए ले रहे हो विच इज़ सोचिए इन द फॉर्म ऑफ डेट, एंड ऑल्सो यू आर टेकिंग मनी इन योर कंपनी फ्रॉम योर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सो ऑल दीज मनी आर सपोज टू बी विथ यू फॉर लॉन्ग टर्म। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म मनी, इट्स अ लॉन्ग टर्म मनी। एटलीस्ट उसमें आप 5 साल का टाइम तो लेते ही लेते हो। तो जो भी लॉन्ग टर्म मनी होता है उसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, बिजनेस में आप जब भी बैलेंस शीट बनाते हो, मान लीजिए इक्विटी आया बैलेंस शीट में और डेट आया, तो सोर्स ऑफ फंड में इक्विटी और डेट आया तो उसको यूज़ करना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब एसेट्स कहीं तो लगाना है। तो लॉन्ग टर्म फंड का मेजॉरिटी रुपया हमेशा लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाना चाहिए, यानी कि फिक्स एसेट में लगाना चाहिए मेजॉरिटी रुपया, 100% नहीं लगाना चाहिए,
जैसे स्टैंडर्ड नॉर्म बोला हुआ है कि जितना आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लाते हो उसका 90% आप फिक्स एसेट में यूज़ कर सकते हो। कितना परसेंट? 90%। 90 से कम किया तो कोई प्रॉब 90 से कम किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो फिक्स एसेट जितना है वो 90 से कम किया तो प्रॉब्लम नहीं है। 90 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। 10% अपना हाथ में वर्किंग कैपिटल के लिए रखना चाहिए। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड में आप जो रुपया लेकर आए बैलेंस शीट में, सोचिए मैं ऐसे समझाता हूँ एक तो छोटा सा आपको वर्किंग करके, कि ये बैलेंस शीट है मेरा, मेरा यहाँ पे इक्विटी का रुपया है, डेट का रुपया है, ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए आए, तो इससे टोटल फंड आ गया। अभी मान लो करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो नेक्स्ट होगा फिक्स असेट्स और नेक्स्ट होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मान लो करंट लाइबिलिटी अगर है तो भी यहीं पर एडजस्ट हो गया। तो ये रुपया यूज़ होगा ना, ये आपका सोर्स है, तो एप्लीकेशन होगा। तो एप्लीकेशन का रूल हम लोग बनाते हैं कि भाई ये जो रुपया है ये सारा का सारा रुपया आपका पहले फिक्स एसेट में ही जाना चाहिए 90% तक, ठीक है। अब आप 100% कर दोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा बताए? वर्किंग कैपिटल के लिए रुपया नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ से के लिए अलग से उधार लेके चलाना पड़ेगा जिसका इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा। इसलिए यहाँ पे 90% मैक्स, 80 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 90% अगर 80 होना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्स है 90%, हाईएस्ट 90% होना चाहिए फिक्स एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे पता चलता है ये स्टैंडर्ड नॉर्म जैसे 0.9 है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% अपना हाथ में रखो, इससे पता चलता है कि आपका हाथ में भी जो रुपया है ना वो लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स का है, तो आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं होगा कि आप क्रेडिटर्स को से उधार मांगो या आप ज़बरदस्ती बैंक ओडी लो। अगर अननेसेसरी आपको उधार मांग मांग के बिजनेस चलाना पड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी पे क्वेश्चंस आएंगे, और बाद में उधार नहीं दे पाए तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कभी भी फिक्स एसेट्स मान लीजिए कुछ कंपनी में ऐसा भी होता है कभी कभी कि ये लोग बोलते हैं फिक्स एसेट ले लेंगे 150 का और ये टोटली 100 है। वाह, मतलब फिक्स एसेट हम लोग बोल रहे हैं 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे 150 का ले लिया, तो ये 50 कहाँ से पे होगा? फिर ये 50 के लिए आपको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा और फिर वर्किंग कैपिटल के लिए वापस शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल का तो कुछ सोचो ही मत फिर। तो अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म लोन से फिक्स एसेट ले रहे हो, मतलब कंपनी डूबने वाली है लॉन्ग टर्म में, इसका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पूरा खतरे में है। जैसे अपने घरों में कई बार मैं क्लास में समझाता हूँ ना, घर में बोलते हैं मोटरसाइकिल ले लेते हैं, कैसे लेंगे? उधार ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म दोस्त से उधार ले लेते हैं, परिवार रिलेटिव से उधार ले लेते हैं। अरे भाई, एक ऐसा चीज़ जो लॉन्ग टर्म तक यूज़ करोगे और उसके लिए जो रुपया लेके आ रहे हो वो इधर उधर से जुगाड़ करके ला रहे हो, तो डूबोगे भैया, पूरा भविष्य आपने अपना अंधकार में डाला हुआ है, ठीक है। हमेशा लॉन्ग टर्म का फंड से, कोई पुराना एफडी वेफडी पड़ा हुआ है वो रुपया यूज़ नहीं आ रहा है तो सोचो ठीक है अपने घर के लिए एक चीज़ ले लिया वो अलग चीज़ है, बट उधार छोटा मोटा मांग के शॉर्ट पीरियड के लिए बड़ा चीज़ लाते हो, एक आपका भविष्य के लिए इंसॉल्वेंसी वाला केस है। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि कंपनी को कभी भी 90% से ज़्यादा अपना फिक्स असेट में नहीं डालना चाहिए, तो 10% वो अपना वर्किंग कैपिटल के लिए सेट असाइड करेगा, ठीक है। 10% कहाँ रखेगा? 10% शुड बी फॉर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एटलीस्ट 10% वर्किंग कैपिटल के रखो। हाथ में अगर रुपया रहेगा ना तो फिर क्रेडिटर्स को कभी कभी कैश में भी पेमेंट करके परचेज करना पड़े तो आपका रेट कम हो जाएगा, कॉस्ट को कम कर सकता है, तो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो कैश हाथ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, इसमें बहुत बच्चों का मिस्टेक होता है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है ये कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग, गियर मतलब होता है एक ऐसा मशीन का पार्ट जो कहीं ना कहीं हम लोगों का मशीन को स्पीड में काम करने में हेल्प करता है। जैसे घड़ी में भी एक गियर होता है जो घड़ी में जो अपने मिनट्स और आवर्स और सेकेंड्स के हैंड्स होते हैं उसको वो घुमाता है, ठीक है। हर मशीन में, साइकिल में गियर होता है जिस पे चेन घूमता है आपका, वैसे गाड़ी में भी होता है, हर मशीन जो ऑटोमेटिकली चलेगा उसमें गियर होगा ही होगा। तो गियर का मेन काम क्या होता है? वो आपका मशीन को थोड़ा सा स्पीड में काम करने में हेल्प करता है। अगर आपने स्पीड रेगुलेट किया अलग बात है, बट एक्चुअली मशीन को स्पीड प्रोवाइड किया जाता है बाय यूजिंग दैट गियर। अब ये सब नाम कैसे आया सर? पहले आपने लीवर बोला, आज गियर बोला। एक्चुअली देखो, ये सब जब FM उस ज़माने में लिखा गया था, जब हम लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते थे दुनिया में, तो हम लोग FM जो पढ़ रहे हैं आज, वो सब लिखे थे वो इंजीनियर लोग ही, जो
मशीन बनाते थे, ठीक है, वो लोग ही फिर फाइनेंस पे फोकस करने लगे, तो अपना दुनिया का वर्ल्ड उसमें घुसाते चले गए, ठीक है, गियर लीवर, तो वैसे वैसे टर्म्स आ गया। कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये कैसे पता चलता है? ये अपने चेक करते हैं कि आपका जो टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और जो टोटल डेट है उसको पहले देखो। इसका मतलब क्या है? आप उनको देखो जिनका आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। आपको मैं पिछले दिन भी समझा रहा था, डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होता है। जिसका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है उसको लो, डिवाइड बाई अब जिसका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है उसको लो, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स इन सरप्लस। मतलब बेसिकली फिक्स्ड ऑब्लिगेशन डिवाइडेड बाई नॉन फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। ऐसा कैपिटल को ब्रेक करो अपने माइंड में जिस जिस आइटम का फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, मतलब हर साल फिक्स अमाउंट देना है उसको न्यूमरेटर में, और जिसका कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है उसको डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जो रेशियो आ रहा है उसका नाम है कैपिटल गियरिंग रेशियो, और इसका आइडिया वही है कि गियर लीवर का ही रोल प्ले कर रहा है एक तरह से। गियर लीवर एक जैसा ही है, ये फिक्स्ड कॉन्टेंट जो आपके कैपिटल में होता है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपके कैपिटल में होता है, ये आपको हेल्प करता है अपना ईपीएस को बढ़ाने में। तो आप चेक कर रहे हो कि मेरा इक्विटी के मुकाबले, इक्विटी शेयर के मुकाबले फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कितना है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का कोई स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा हाई कभी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिस्क बढ़ जाएगा, शुड नॉट बी वेरी हाई। नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक्चुअली आप इसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट होगा तभी आप इंटरेस्ट कवर कर पाओगे, बट स्टिल सिंस लॉन्ग टर्म का सारा पढ़ाई अपने यहाँ पे करें, तो अपने ये भी सोच रहे हैं कि जो हम लॉन्ग टर्म का उधार वगैरह ले लिए हैं वो सब का हम सर्विसिंग कर पाएंगे कि नहीं। सर्विस करना मतलब उनका जो कमिटमेंट्स है वो हम ऑनर कर पाएंगे कि नहीं। जैसे डेट के प्रति हमारा कमिटमेंट क्या होता है? इंटरेस्ट का। डेट के प्रति हमारा कमिटमेंट होता है इंटरेस्ट का, तो हम इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑनर कर पाएंगे कि नहीं वो डिसाइड करेगा मेरे पास ईबीआईटी है कि नहीं। सो ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट करूंगा तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगर मेरा इंटरेस्ट 1 लाख का है और मैं ईबीआईटी 10 लाख कमाता हूँ तो मैं इजीली ऑनर कर दूंगा, तो कवरेज रेशियो क्या हो गया? 10 टाइम्स। मतलब मैं ऐसा 1 लाख वाला जो इंटरेस्ट है वैसा 10 गुना हम भर सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या हुआ? मेरा जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी है उसका कितना गुना मेरा अर्निंग है, ठीक है। अगर मेरा इंटरेस्ट लाइबिलिटी 1 लाख है और ईबीआईटी 10 लाख है, दैट मीन्स आई कैन पे अप टू 10 टाइम्स, आई कैन पे अप टू 10 टाइम्स ऑफ माई इंटरेस्ट लाइबिलिटी। सो जितना हाई हो उतना बेटर है। जैसे कैपिटल गियरिंग रेशियो के लिए मैंने क्या बोला? टू हाई इज़ नॉट एडवाइजेबल, टू हाई इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट इंटरेस्ट कवरेज के लिए क्या बोला? हायर इज़ बेटर, जितना हाई हो उतना ईजी है, ठीक है, हायर इज़ बेटर। नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड में आप ये सोच रहे हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए अर्निंग्स होता है पैट, पैट से प्रेफरेंस डिविडेंड पे होता है, तो पैट है तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाएंगे। पैट बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, जितना हायर हाई हो उतना अच्छा, हायर इज़ बेटर। मतलब आपके लिए फिर प्रेफरेंस डिविडेंड को सर्विस करना बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो। टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो में व्हाट इज़ इट? टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो में व्हाट इज़ इट? पैट डिवाइडेड बाय टोटल डिविडेंड में पैट डिवाइडेड बाई प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी डिविडेंड। हालांकि इक्विटी डिविडेंड का कोई कमिटमेंट नहीं होता कि देना ही देना है, बट मान लीजिए कभी ऐसा रहा है कि हमारा एक पास्ट ट्रेंड रहा है कि हम हमेशा इतना परसेंट देते ही देते हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं कि हम उसको पे कर पाएंगे कि नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी डिविडेंड, गॉट इट? सो टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो ऐसे आ गया, टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो इस तरीके से आ गया, ओके। एक और कवरेज रेशियो होता है, वैसे मैं बोला ना ये सब कवरेज रेशियो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में सीखना चाहिए, तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो एक आपका यहाँ पर डेट सर्विस कवरेज रेशियो एक और है, इसको देखो ध्यान से। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है? हम लोग यहाँ पर ये सोच रहे कि अगर मैंने किसी से डेट लिया, किसी बैंक से डेट लिया, तो वो डेट के बदले मुझे क्या देना पड़ता है? इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है और उसके साथ साथ मुझे उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल का हिस्सा प्लस इंटरेस्ट, जिस दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट। वैसे इंस्टॉलमेंट टर्म जो बनाया हमने वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को कंप्राइज करता है। तो डेट वाला एक्सपेक्ट करता है कि मेरा टाइम पे मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल जाए, जिसको हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट बोलते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और उसको देने के लिए मेरे पास इनकम होना चाहिए, तभी हम इंस्टॉलमेंट्स पे कर पाएंगे। अब इनकम माने क्या हुआ उस समय? ईबीआईटी तो मेन है ही, बेसिक लेवल पे ईबीआईटी याद रख सकते हो आप, बट टेक्निकली और जाएँ तो
ईबीआईटी इंटू वन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। बेसिकली डेप्रिसिएशन तो हम लोग ईबीआईटी में चार्ज किए हुए होते हैं, बट एक्चुअली उसका तो कोई आउटफ्लो नहीं होता, तो वो रुपया से हम आराम से अपना डेट का पेमेंट कर सकते हैं। हम लोग को बेसिकली ये देखना है कि हमारे पास, अगर न्यूमरेटर में हम बोले कि मेरे पास क्या है, तो हम लोग बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग कैश। क्या चाहिए हम लोग को न्यूमरेटर में? नेट ऑपरेटिंग कैश। ये न्यूमरेटर में हम लोग को लाना क्या है अल्टीमेटली? नेट ऑपरेटिंग कैश। अब ऑपरेटिंग कैश कैसे आएगा? मेरे पास जो इनकम आया, ओके, मेरे पास जो इनकम आया सेल्स से, लेस मैं सारा वेरिएबल कॉस्ट पे कर दिया, सारा फिक्स कॉस्ट पे कर दिया जो कैश में देना था, और फिर डेप्रिसिएशन जिसका कैश नहीं देना था उसको भी माइनस कर दिया। तो एक्चुअली मेरे पास तो कैश हाथ में ज़्यादा है, बट मैं कम दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करके मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। फिर मेरा जो नेट इनकम आया, पीबीटी जिसको अपने बोलेंगे, उस पीबीटी से मैंने अपना टैक्स भर दिया, तो उसके बाद मेरे पास क्या आ गया? पैट। अब पैट में मैं अपना डेप्रिसिएशन जोड़ लिया भाई, मेरे को डेप्रिसिएशन का पैसा तो देना नहीं था, तो मेरे पास हाथ में जो कैश है उसको मैं लेके सोच रहा हूँ। इसको नेट ऑपरेटिंग कैश आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हो आप, नेट ऑपरेटिंग कैश आफ्टर टैक्स भी आप बोल सकते हो। नेट ऑपरेटिंग कैश आफ्टर टैक्स इज दिस वर्किंग, उससे अपना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। सो ये एक डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है, जो कई बार स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, वो आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म का सारा सारा रेशियोज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का सारा रेशियोज। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का सारा रेशियोज में क्या क्या रेशियो आ रहा है फिर से ध्यान रखो, ये सब रेशियो जितना मुंह जबानी याद रहेगा उतना आपके लिए एग्जाम का सम करना आसान होगा। पहला आया डेट रेशियो, विच इज़ डेट बाई डेट प्लस इक्विटी। फिर आया इक्विटी रेशियो, विच इज़ डेट बाई इक्विटी बाई डेट प्लस इक्विटी। फिर आया डेट इक्विटी रेशियो, विच इज़ डेट बाई इक्विटी। बहुत बार एग्जाम में डेट इक्विटी रेशियो और डेट रेशियो में कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, कि डेट रेशियो में डेट बाई डेट प्लस इक्विटी लगाएं कि डेट इक्विटी रेशियो में डेट बाई डेट प्लस इक्विटी लगाएं। तो इस चीज़ को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझना पड़ता है। जनरल एक शॉर्टकट होता है कि जब कभी भी वो डेट रेशियो आपका पॉइंट में दिया हो ना, तो समझ जाना फॉर्मूला डेट बाई डेट प्लस इक्विटी है। जब कभी भी जब इसका वैल्यू मान लो 2, 3 ऐसा कुछ दिया हुआ, तो समझना फॉर्मूला डेट बाई इक्विटी है। डेट बाई इक्विटी का वैल्यू है ना 2:1, बड़ा वैल्यू होता है, और डेट बाई डेट प्लस इक्विटी का जो वैल्यू है वो छोटा वैल्यू होता है। ध्यान रहेगा, डेट बाई डेट प्लस इक्विटी का वैल्यू हमेशा छोटा होता है, और डेट बाई इक्विटी का वैल्यू हमेशा डेट बाई इक्विटी का वैल्यू हमेशा थोड़ा सा बड़ा होता है, होल नंबर में होता है। इससे ट्रिक होता है याद रखने का। फिर आ रहा है डेट टू टोटल एसेट्स। क्या आ रहा है? डेट टू टोटल एसेट्स। फिर आ रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो विच इज़ इक्विटी बाई टोटल एसेट्स। फिर आ रहा है फिक्स एसेट टू कैपिटल इम्प्लॉयड, फिक्स एसेट बाई कैपिटल इम्प्लॉयड। फिर आ रहा है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो, विच इज़ फिक्स चार्जेस बियरिंग सिक्योरिटीज बाई नॉन फिक्स चार्ज बियरिंग सिक्योरिटी, यानी डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ई वी आई टी बाई इंटरेस्ट। फिर आ रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, विच इज़ पैड बाई प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर आ रहा है टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो, विच इज़ पैड बाई इक्विटी डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। राइट, नाउ नेक्स्ट आ रहा है आपका एक्टिविटी रेशियोज। हम लोग थर्ड सेगमेंट में आ गए हैं फ्रेंड्स, एक्टिविटी रेशियोज। कभी एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए। प्रिया शॉ कह रही है डिफेंस इंटरवल कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग, आपका डिफेंस का स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है, आप चेक करिए। संतोष पूछ रहे हैं इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस उसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी जोड़ो। इक्विटी में तीन चीज आता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व्स। पूजा अमृतकर कह रही हैं सर मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो चलेगा इस टॉपिक का, और वी आर डूइंग सेल्फ स्टडी। मॉड्यूल का क्वेश्चन करना है प्लस पास पेपर का क्वेश्चन करना है तो काम हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक्टिविटी रेशियोज। ओके, नेक्स्ट इज कमिंग एक्टिविटी रेशियोज। व्हाट आर एक्टिविटी रेशियोज? नाउ एक्टिविटी रेशियोज इंडिकेट करता है कि हमारा रोज का रूटीन का काम, ऑपरेशन का काम सही तरीके से चल रहा है बिजनेस का कि नहीं चल रहा है। सो पहला है कैपिटल इम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। पहला कौन सा रेशियो है? कैपिटल इम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम जितना कैपिटल अपने बिजनेस में इंप्लॉय किए हैं इक्विटी और डेट मिलाकर, उसके अगेंस्ट में हमारा टर्नओवर कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, कैपिटल इम्प्लॉयड टर्नओवर मतलब टर्नओवर यानी सेल्स, सेल्स और कैपिटल इम्प्लॉयड का रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब एक आइटम पीएल का, एक आइटम बैलेंस शीट का है, सेल्स और कैपिटल इंप्लॉयड का रिलेशनशिप। ठीक है, सेल्स और कैपिटल इंप्लॉयड का रिलेशनशिप। ओके, तो ये जितना हाई हो उतना अच्छा है। हम चाहेंगे मिनिमम कैपिटल
मिनिमम कैपिटल से हम लोग का हाईएस्ट सेल्स जनरेट हो, राइट। उसी तरह से फिक्स एसेट टर्नओवर है। फिक्स एसेट टर्नओवर क्या हुआ? सेल्स बाय फिक्स एसेट। इसमें हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा हमारा कितना सेल्स हम लोग जनरेट कर पाते बाय डूइंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। जितना हाई हो उतना अच्छा, जितना हाई हो उतना अच्छा, हायर इज़ बेटर, ठीक है। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ रहा है, सेम सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। जितना हाई हो उतना अच्छा, कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करके हम कितना कमा पा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल में हम इन्वेस्ट करके हम कितना कमा पा रहे हैं, ऑलराइट। तो जितना हाई हो टर्नओवर रेशियो, जितना हाई हो उतना अच्छा। इसका कोई नॉर्म्स नहीं है। नॉर्म्स अगर पकड़ना है तो फिर कॉम्पिटिटर से कंपेयर करो, या फिर आप अपना इंडस्ट्री एवरेज को देखो। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड माने डेट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड यदि आपको नहीं पता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी मैं ऊपर में भी तो बता ही रहा था ना, डेट प्लस इक्विटी। जब फिक्स एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड समझाया था तब आप सो रहे थे क्या? यहाँ पर भी तो समझाया था, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी, ऐसे करके एग्जाम्पल में बैलेंस शीट से, ठीक है, कि ये हमेशा इसका 90% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड माने डेट और इक्विटी को जोड़ दो, ओके। ना वर्किंग कैपिटल में फिर क्या क्या आता है? करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज आता है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल स्टॉक, WAP स्टॉक और फिनिश गुड स्टॉक और डेटर्स। चार चीज़ आता है ना करंट एसेट में मेजरली, रॉ मटेरियल स्टॉक, WAP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक और क्या आता है चौथा? डेटर्स। तो रॉ मटेरियल, WIP, FG और डेटर्स, राइट। रॉ मटेरियल, WIP, FG और डेटर्स, ये चार चीज़ मिलाते हैं तो करंट एसेट्स आता है। और करंट लाइबिलिटीज़ में एक मेजर आइटम है क्रेडिटर्स, तो एक और आएगा इसके बाद क्रेडिटर्स। तो हम लोग जब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सीख रहे हैं तो हम सबका इंडिविजुअल भी टर्नओवर रेशियो सीखना चाह रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर, WIP इन्वेंट्री टर्नओवर, FG इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर, गॉट इट। सो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इससे हम पता लगाते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहता है वो एक्चुअली प्रोडक्शन में यूज़ हो जाता है कि नहीं हो जाता है, मतलब कंज्यूम हो जाता है कि नहीं हो जाता है, पता चलता है। बहुत बार कंपनी रॉ मटेरियल तो रखता है बट टाइम पे उसको यूज़ नहीं कर पाता, आधा एक्सपायर ही होता है, तो ऐसे तो बिजनेस में लॉस हो रहा है ना। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो कंज्यूम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जैसे साल में यदि मैं 10 लाख का मटेरियल कंज्यूम किया, अपना PL में दिखा रहा हूँ मटेरियल कंज्यूम 10 लाख, और मेरा बैलेंस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी PL में ही दिख जाता है, हमें बैलेंस शीट में भी दिख सकता है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट और करंट ईयर का बैलेंस शीट में, तो उससे एवरेज स्टॉक निकाल लिया। एवरेज स्टॉक इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। सो मेरे पास एवरेज स्टॉक है मान लीजिए 50,000 का, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का रॉ मटेरियल स्टॉक मेरे पास रहता है। एवरेज स्टॉक का यूज़ क्या है यहाँ पर? एवरेज स्टॉक का यूज़ होता है कि आप बस अंदाज लगा रहे हो कि कितना का स्टॉक हमारे पास रहता है। वर्ड एवरेज माने अंदाज। हम तो नहीं देखने जा रहे हैं एज ए शेयर होल्डर कि आपके फैक्ट्री में कितना का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमें अंदाज लगाना है कि आपके पास कितना का स्टॉक रहता है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 से मैं अंदाज पकड़ रहा है। ऐसे तो अंदाज या एवरेज करने का तरीका होता है जितना वैल्यू हर दिन का टोटल डिवाइड बाई 365 होना चाहिए। 365 डेज का तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो मेरे को PL बैलेंस शीट में, तो मैं खाली लास्ट ओपनिंग क्लोजिंग लेके चल रहा हूँ और क्या करूँ। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 की एवरेज आया तो 50,000 का मटेरियल मेरे पास स्टॉक में है, और मैं मान लीजिए मटेरियल कंज्यूम किया हूँ पूरा ईयर में सिर्फ 30,000 का। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा पुराना स्टॉक ही कंज्यूम नहीं हुआ, नया तो मैं लाया ही नहीं होऊंगा। अगर 50,000 का मेरे पास स्टॉक है और मटेरियल कंज्यूम्ड इन अ ईयर टोटल इज शोइंग मी 30,000, दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू यूज माई रॉ मटेरियल स्टॉक। सम पार्ट ऑफ इट मे बिकम ऑब्सोलीट सून, सो देर इज अ लॉस विच इज वेटिंग फॉर मी, ठीक है, वेटिंग फॉर दिस कंपनी। सो दिस इज वेरी रिस्की, बट इफ आई एम सेइंग दैट आई हैव यूज मटेरियल फॉर 5 लैक्स, कंज्यूम्ड मैंने 5 लैक्स का किया और मेरे पास स्टॉक तो 50,000 का रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 का अगर स्टॉक रखते हो एनी टाइम और 5 लाख का कंज्यूम कर लियो, तो मतलब आपने उसको यूज़ किया, फिर नया मंगाया, यूज़ किया, फिर नया मंगाया, ऐसा करके आपका रोटेशन हुआ 10 बार, 10 टाइम्स यू हैव डन द रोटेशन। ये रोटेशन को ही हम लोग बोल रहे हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक मिनट ध्यान देना, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हमारा कैपिटल या फिक्स्ड एसेट या वर्किंग कैपिटल कितना रुपया का सेल्स जनरेट कर रहा है। बट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम ये नहीं चेक कर रहे कि सेल्स कितना का जनरेट कर रहा है हमारा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, हम बस ये चेक कर रहे हैं कि हमारा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का रोटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो खतरा है, वो लॉस है, उन फ्यूचर में वो ऑब्सोलीट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी नाम टर्नओवर है बट सेल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये जानना चाहते हैं हम कि हमारा मटेरियल
टाइमली कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 लाख का कंजम्पशन था, 50,000 का स्टॉक था, 5 लाख का कंजम्पशन था, 50,000 का स्टॉक था, तो 10 बार घुमा, कितना बार घुमा वहाँ पे, 10 बार घुमा। और फिर यदि 10 साल में 10 बार घुमा तो 360 डेज अगर एक साल में ज्यूम कर लिया जाए तो एक रोटेशन में कितना दिन लगा, 36 डेज। ये सब अंदाज ही है, एक्चुअल तो कुछ नहीं है। हम लोग मान रहे कि हर 36 दिन में नया मटेरियल मंगाना ही पड़ता होगा इनको, नहीं तो इनका काम चलेगा कैसे। तो ये जो 36 डेज है इसका नाम है रॉ मटेरियल स्टॉक वेलोसिटी या फिर रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन हम लोग को पूछा जाता है कैलकुलेशन में। तो आप देखें यहाँ पे वर्किंग दिया हुआ है, फॉर्मूला आप मिलाते रहिएगा। इसी तरह से WIP इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ओपनिंग WIP होता है, क्लोजिंग WIP होता है, एवरेज में हर समय मशीन में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ रहता है इनकम्प्लीट, तो वो एक्चुअली कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, कि वो हमेशा वहीं पड़ा रह जाता है। एवरेज WIP 50,000 का है और पता चल रहा है कि जो गुड्स बन के आया उसका कॉस्ट 20,000 है। इसका मतलब क्या हुआ, WIP में पड़ा था 50 और बन के आ रहा है नया 20, मतलब आप तो पूरा जो प्रोग्रेस में वो कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो, वो प्रोग्रेस में ही रह जा रहा है, तो खतरा है कंपनी को। बट अगर 50,000 का WIP एवरेज है और 10 लाख का हम लोगों का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो 50,000 वाला ही कन्वर्ट होते 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 10 लाख का बना, मतलब एवरेज मतलब हम लोग के पास उतना ही रखने का जगह है, ऐसा समझना। एवरेज मतलब हम लोग उतना ही रखते हैं हाथ में और बाकी टोटल अगर मेरा बड़ा अमाउंट आ रहा है इसका मतलब वो रोटेशन चल रहा है उसमें, और रोटेशन चलते चलते हम लोग WIP इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। उसी तरह से उसका होल्डिंग पीरियड भी आ जाता है, विच इज़ 365 और 12 और 52 डिवाइडेड बाय WIP इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये आपको बहुत हेल्प करता है ये सब रेशियोज। अगला चैप्टर में ये जो मेन जो रेशियो मैं समझा रहा हूँ ना अभी, मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, WIP टर्नओवर, फिनिश गुड्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर आएगा और क्रेडिटर्स टर्नओवर आएगा, ये 5 रेशियो हम लोग को सबसे ज़्यादा हेल्प करता है अगला चैप्टर, विच इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसको समझने में। ठीक है, तो इसको इसलिए अच्छे से समझ के चलो अभी। फिर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर है, तो हम लोग ये सोच रहे कि फिनिश गुड्स बना के तो रख लिया, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, तो बिक रहा है तो उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं और स्टॉक कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो फिनिश गुड्स स्टॉक है वो 1 लाख रुपीज़ का है और बिक रहा है सिर्फ इस साल पूरा सेल हुआ 80,000 का, इसका मतलब स्टॉक ही पूरा नहीं बिका, स्टॉक ऑब्सोलीट हो जाएगा। और यही अगर मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 लाख का और मेरे पास एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1 लाख का, इसका मतलब मैं 1 लाख का चीज़ को बेच लिया, तो देखो 1 लाख का चीज़ को बेच बेच के ही 10 लाख बनाया होगा, ये रूल याद रखो। इसमें सब में एक ही चीज़ मैं हमेशा क्लास में सिखाता हूँ, जैसे अगर मैं आपका 10 साल का एक टोटल बताऊँ कि आपने 10 साल में 1 क्विंटल चावल खा लिए, 10 साल में 1 क्विंटल 100 kg चावल आप खा चुके हैं, तो अब आप सोचोगे हाँ 100 kg खा लिया मैं, तो 100 kg का तो मेरा पेट ही नहीं है इतना बड़ा, तो एक बार में थोड़ी खाया भाई, एक बार में आप 200 ग्राम ही खाते हैं, बट 10 साल में आप घुमाते घुमाते समझ रहे हैं, ऊपर डाला, प्रोसेस हो गया, कंज्यूम हो गया, एक्सक्रीट हो गया, उसके बाद ये रोटेशन होते होते 10 साल में आप 200 ग्राम एवरेज में करते करते 10 साल में 1 क्विंटल खा लिए, 1 क्विंटल यानी 100 kg, तो 100 kg डिवाइड बाई 0.2, इसका मतलब 500 बार खाएं आप 10 साल में 500 बार चावल खाएं, समझ गए। तो ये हुआ आपका राइस टर्नओवर रेशियो, आपका डेली डाइट का राइस कंजम्पशन रेशियो। ठीक है, राइस कंजम्पशन रेशियो ऐसे ही करके कंपनी का हम लोग कैलकुलेट करें, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो, WIP टर्नओवर रेशियो, इसी तरह से रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। ये सब हम लोग को समझा रहे हैं कि आपके पास जो रहता है उसी से ही आप अज्यूम करके चलो कि उसी से ही आपको पूरा काम करना है। अब काम बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब इसका 2 बार रोटेशन, 3 बार रोटेशन, 4 बार रोटेशन हो रहा है। ठीक है, और जितना स्टॉक है उससे कम ही टोटल वैल्यू है, इसका मतलब जो है स्टॉक वही यूज़ नहीं हो रहा, मतलब बिजनेस खतरा में। अगर मेरे पास 5 लाख का स्टॉक है और मैं सेल कर रहा हूँ सिर्फ 3 लाख का, इसका मतलब मेरा स्टॉक ही नहीं बिक रहा है, और ये 5 लाख का स्टॉक और सेल कर रहा हूँ 30 लाख का, मतलब क्या हुआ कि मैं 6 बार घुमा लिया, नया बनाया हूँगा या नया लाया हूँगा तभी 6 बार घुमा कर 30 लाख तक पहुँचा लिया ना। इसी तरह से आता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या हो रहा है कि हम लोग चेक करें कि हम लोग जो डेटर्स को पे कर रहे हैं, सॉरी डेटर्स को जो गुड्स बेच रहे हैं, उसका पेमेंट रिसीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, आर वी एबल टू कलेक्ट दैट पेमेंट और नॉट, दिस इज वॉट वी आर चेकिंग हियर इन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्या चेक कर रहे हैं हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो में, कि हम जो डेटर को पे कर रहे हैं वो हम कलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
मैंने डेटर को पे कर रहे, मतलब वही बोलना चाह रहे यार, डेटर को जो गुड्स दे रहे हैं वो बदले में मेरे पास वापस पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मेरा एवरेज डेटर्स मान लो, अब आज का डेटर तो नहीं पता, कल का नहीं पता, रोज रोज का नहीं पता, ओपनिंग पता, क्लोजिंग पता, तो डिवाइड बाई टू करके एवरेज आ गया। मान लो हर रोज इतना ही डेटर है, अगर डेटर बैलेंस 2 लाख रुपया चल रहा है और मेरा यहाँ पर टोटल कैश कलेक्शन मान लीजिए सिर्फ 1 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे तुम्हारा तो रोज का जो डेटर है वही पैसा नहीं दे रहा। बट यही अगर मान लीजिए टोटल कलेक्शन 20 लाख्स है, तो मैं इसका मतलब क्या हुआ, मेरा तो डेटर 2 लाख अभी दिख रहा है ऐसे, मैं 20 लाख कलेक्ट कर लिया, वो कैसे पॉसिबल हुआ? ये 2 लाख से पूरा आया, फिर नया उनको दे दिया, फिर नया आ गया, फिर दे दिया पैसा, तो फिर नया उनको सेल कर दिया, फिर दे दिया पैसा, तो फिर नया सेल कर दिया। तो ये रोटेशन हुआ हम लोगों का, इसी को हम लोग बोलते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो टर्नओवर रेशियो में होना चाहिए आइडियली एवरेज डेटर्स बेस में और ऊपर में होना चाहिए कितना कलेक्शन किया। बट हम लोग इन जनरल क्या लेते हैं, देखिए क्रेडिट सेल्स लेते हैं इंस्टेड ऑफ अमाउंट कलेक्टेड, वी टेक इट एज क्रेडिट सेल्स बाई अज्यूमिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स आर सेम। जैसे सिंगल एंट्री में आप लोग सीखते हो ना कि अगर डेटर्स अकाउंट हम बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का यहाँ पे होता है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे होता है, जो क्रेडिट सेल्स है वो यहाँ पे है और जो कलेक्शन है डेटर्स का वो यहाँ पे है बैंक बोल के। ठीक है, मान लो जितना ओपनिंग बैलेंस है ये ए है अगर, तो क्लोजिंग बैलेंस भी उतना ही है ए, तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा ना, जितना क्रेडिट सेल्स है उतना कलेक्शन होगा। अगर ओपनिंग क्लोजिंग मैच होगा तो क्रेडिट सेल्स और कलेक्शन मैच होगा। उस लॉजिक से हम लोग यहाँ पे ना क्रेडिट सेल्स लिखते हैं, रूल के हिसाब से लिखना चाहिए जितना हमने एक्चुअली कलेक्ट किया, बट बनाने वाला जब रेशियो बनाया ना तो वो बस क्रेडिट सेल्स लिख दिया, तो वही प्रचलन चले जा रहा है, हम उसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, जैसा बना हुआ वैसा ही पढ़ते हैं हमेशा, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेटर्स। उससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जितना क्रेडिट सेल्स है मान लो उतना ही कलेक्शन हुआ, ऐसा सोच लो। और कलेक्शन यदि मैं 10 लाख किया, मेरा डेटर्स 2 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका अभी 2 लाख का डेटर है, आप 10 लाख का कलेक्शन कैसे किए? तो आपका इसका मतलब क्या होता है कि वो 2 लाख से पेमेंट आया, फिर हमने उसको नया सेल कर दिया, फिर पेमेंट आया, फिर नया सेल कर दिया, फिर पेमेंट आया, फिर नया सेल कर दिया, करते करते 5 बार हमने घुमा दिया जी। तो 5 बार घुमा दिया तो डेटर्स टर्नओवर 5 टाइम्स हो गया। अब इसका अगर साल में 5 बार घुमाया तो 360 डिवाइड बाई 5 करने से आता है 72, 360 डिवाइड बाई 5 करने से आता है 72, तो 72 डेज में 1 बार घूमता है। इसका मतलब हमारा डेटर को हम बोलते हैं 72 डेज में आप पे करो, दैट इज डेटर्स कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड हम लोग इसको बुलाते हैं। ठीक है, ऐसी सेम क्रेडिटर्स में है, बस क्रेडिटर्स में नेट क्रेडिट परचेज ले लेते हैं और क्रेडिट परचेज और एवरेज क्रेडिटर्स से कंपेयर करके क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल कर फिर क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा एक्टिविटी रेशियो हो गया दोस्त। एक्टिविटी रेशियो में बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि रोज रोज का जो काम है वो ढंग से हो रहा है कि नहीं, जितना हाई हो सबका सब, ये सब जितना हाई हो उतना बेटर है, ये सारा का सारा रेशियो में हायर इज़ बेटर। जितना इन्वेंट्री टर्नओवर हाई होगा मेरा रॉ मटेरियल का या WIP का या फिनिश गुड्स का, इसका मतलब क्या होता है पता है, कि मेरा एवरेज स्टॉक लो होगा। जितना टर्नओवर रेशियो हाई होगा मेरा, मतलब एवरेज स्टॉक मेरा थोड़े से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पा रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिनिमम होता है, तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कम लगता है, तो मेरे बिजनेस में रोटेशन जितना हाई होता है उतना कम इन्वेस्टमेंट से मेरा काम हो जाता है। जितना रोटेशन हाई होगा उतना कम इन्वेस्टमेंट से मेरा काम होगा, वर्किंग कैपिटल में अमाउंट ब्लॉक नहीं होगा, तो हमारे यहाँ लिक्विडिटी पोजिशन बहुत हाई होगा, जल्दी जल्दी पैसे आएंगे, तो जल्दी जल्दी हम लोग सारे लाइबिलिटीज़ भी पे कर पाएंगे, हमारा लिक्विडिटी भी फिर बढ़ जाता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका रोटेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा है, बिकॉज और इसी में मेन रोल प्ले करता है पता है, आप जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट का, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अभी कॉस्टिंग पढ़ाया जाता है, या आप कॉस्ट अकाउंटेंट लोग जो कॉस्टिंग पढ़ते हो, यहाँ पे आपका मेन रोल आता है कि आप एक कंपनी में ऐसे जगह पहुँच गए जहाँ पे आप देख रहे हो कि रोटेशन इतना हाई होने के बाद भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर? ऐसा गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि शायद ये रोटेशन कर रहा है जिस अमाउंट पर, जिस रेट पर कस्टमर्स को चीज़ दे रहा है, वहाँ पर कहीं इसका कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। हो सकता है अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे दे रहा हो सकता है कॉस्ट से कम पे दे रहा हो, ऐसा सिनेरियो होने से हो सकता है वो अनजाने में ही कर रहा हो, उसको पता ही नहीं चल रहा होगा उसका कॉस्ट क्या है प्राइस क्या है। तो इस समय अपना रोल प्ले होता है कि हम एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट पहले जाके समझे तो सही उसका कॉस्ट क्या है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ एक्टिविटी रेशियोज आर अंडरस्टूड। एंड लास्ट विंग इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लास्ट विंग इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।
जिसमें पहला लेफ्ट साइड का विंग को ख़त्म करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको समझ में आ चुका है, डेट प्लस इक्विटी, सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। देन आर रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। तो उनके लिए जो रिटर्न होगा उसमें देखो, इक्विटी में डेट वाला नहीं है ना, तो डेट वाला का सारा इनकम माइनस खर्चा माइनस कर दो, ठीक है। डेट वालों का इनकम मेरे से क्या होगा, इंटरेस्ट, अगर मैं कंपनी हूँ तो डेट वाला मेरे से क्या कमाएगा, इंटरेस्ट। तो ऊपर जो EBIT था उसमें से इंटरेस्ट दे दो, और फिर सिंस ये अभी इक्विटी वालों को देना है तो इनका टैक्स भी हम ही भरते हैं आपको पता है, तो उसका टैक्स भी माइनस कर दो। तो जो पैट आया, पैट डिवाइडेड बाई इक्विटी करने से रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। इक्विटी को हम लोग नेटवर्थ भी बुलाते हैं, ध्यान रहेगा, इक्विटी का दूसरा नाम है नेटवर्थ। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सेम फॉर्मूला होता है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सेम फॉर्मूला होता है, पैट बाई इक्विटी। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, फिर से हम बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, इट विल बी EBIT बाई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, इट विल बी EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज डेट प्लस इक्विटी। देखो जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर, जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं ना, वैसे जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में दोनों है तो इनकम ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों को पैसा मिलेगा, फिर डिनोमिनेटर में खाली इक्विटी है तो इनकम ऐसा होना चाहिए जिसमें इसी को पैसा मिलेगा। तो पैट से तो डेट वाले का कोई ताल्लुकात नहीं है, डेट वाला का तो इंटरेस्ट पहले ही पे हो गया होगा, ठीक है। तो इनकम भी वही होना चाहिए जैसा डिनोमिनेटर इंडिकेट कर रहा है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी में फ़र्क क्या होता है, जैसे इक्विटी के अंदर तीन चीज आता है, मैंने आपको बार बार बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में सिर्फ इक्विटी का पैसा आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर नहीं आता। तो ऑफकोर्स यहाँ पर फिर इनकम जो होगा वो वही होगा जो उनको ही जाता है, यानी कि इफेश, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दो तो इफेश आता है। तो इफेश इज एन इनकम दैट गोज ओनली टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस, ठीक है। फिर आ रहा है आपका इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इसका कुछ नाम में गड़बड़ हो गया, लोचा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे, इसका नाम हम लोग देंगे EPS by DPS। EPS by DPS is इक्विटी, इसका नाम, इसको एक बार आप कैंसिल करो, ये रेशियो को अभी कैंसिल करो, EPS is to DPS का कोई as such, DPS is to EPS का फॉर्मूला होता है, EPS is to DPS का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला एक तो गड़बड़ आ गया, घुस गया, अभी उसका इतना यूज़ नहीं है। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो ऐसे आप बोल सकते हो, यूज़ क्यों नहीं है, बिल्कुल है, आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे यहाँ पर आप देखो, यूज़ नहीं है मतलब सम्स में यूज़ नहीं आता है। जैसे यहाँ पर आप देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो है, वैसे यहाँ पर टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो है। अब इसी से एक और सोचो, यदि मैं इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो बनाऊं तो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो यहां पे बनाऊं तो क्या बनेगा, जैसे प्रेफरेंस का बना पैट बाई दिस प्रेफरेंस डिविडेंड, मैंने बोला ना जैसा ये होगा वैसा ये होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट को देना है तो EBIT से देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड को पैट से देना है, टोटल डिविडेंड देना है प्रेफरेंस और इक्विटी तो वो भी पैट से ही देना है। खाली इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो का बात हो रहा है तो वो होना चाहिए वैसे इफेश डिवाइडेड बाई जितना आपका इक्विटी डिविडेंड है, जितना आपको इक्विटी डिविडेंड देना है। इक्विटी डिविडेंड का पेमेंट किससे होता है, सिर्फ इफेश से होगा, करेक्ट। इक्विटी डिविडेंड का पेमेंट किससे होगा, सिर्फ इफेश से होगा ना, बस उसी को लेके हम लोग यहाँ पे बात करें। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो काम नहीं आता है, बस लिखा हुआ है थ्योरिटिकली तो बता दिया। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को यदि हम ऐसे लिखे, इफेश डिवाइडेड बाई इक्विटी डिविडेंड, तो ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है, अंडरस्टैंडिंगली ईजी लग रहा है, बट इक्विटी डिविडेंड को डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर कर देंगे तो डिविडेंड पर शेयर हो गया, और इफेश को डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे तो EPS हो गया। तो आंसर एक शॉर्टकट में बन सकता है EPS बाई DPS, क्या बन सकता है EPS बाई DPS। बहुत कम यूज़ आता है इसलिए मैं बोला उतना ध्यान नहीं देने से चलेगा, रहने दो, इसको इससे समझते हैं तो ज़्यादा ईजी लगता है, इफेश बाई इक्विटी डिविडेंड। जैसे यहाँ पे पैट बाई प्रेफरेंस डिविडेंड है, उसी तरह से इफेश बाई इक्विटी डिविडेंड भी आ गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट आ रहा है बहुत इजी इजी सा, GP रेशियो आपको मालूम ही है विच इज़ GP बाई सेल्स, PV रेशियो आपको मालूम है कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बताते हैं PV रेशियो को लेके, पिछला चैप्टर में भी समझाना था लिवरेज में,
पीवी रेशियो निकालने का एक और तरीका होता है जो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में सिखाते हैं, विच इज़ चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स। ओके, चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल्स। इसको प्रॉफिट को यहाँ पर जब FM में यूज़ करोगे तो बोलोगे चेंज इन EBIT बाई चेंज इन सेल्स, याद रखना। अच्छा, अब इसको कंपेयर करो ऑपरेटिंग लिवरेज से। ऑपरेटिंग लिवरेज और पीवी रेशियो में फ़र्क क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। DOL क्या होता है? DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ध्यान रहेगा। और हमारा पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो होता है चेंज इन EBIT बाई चेंज इन सेल्स। तो चेंज इज बेसिकली इन अमाउंट एंड परसेंटेज चेंज इज इन परसेंटेज, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज को। ओके, DOL और पीवी रेशियो का रिलेशनशिप में वहाँ परसेंटेज चेंज है, यहाँ पे सिर्फ चेंज है। देन ऑपरेटिंग रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाता है, आपको याद नहीं रहता। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाई सेल्स। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे आएगा? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जनरली आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज सपोज टू बी इधर गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली, और यू हैव टू कंसिडर दिस एज ऑल योर ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, दीज आर कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है? प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, विच आर ऑफ रेगुलर नेचर, विच आर ऑफ रेगुलर नेचर। नेक्स्ट आ रहा है आपका NP रेशियो, विच इज़ पैट बाई सेल्स। ये भी गब मिस्टेक होता है, आप लोगों को याद रहता है नेट प्रॉफिट बाई सेल्स, बट आपको याद रखना है पैट बाई सेल्स। फिर पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो मतलब मैं अगर कमाया EPS मान लीजिए 20 रुपया पर शेयर, और उसमें से डिविडेंड दे दे रहा हूँ मान लीजिए 15 रुपया पर शेयर, इसका मतलब क्या हुआ? जितना कमाया उसका 15 रुपया दे दिया, यानी कितना परसेंट दे दिया? 75%। तो दिस इज़ पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो इज़ इंडिकेटिंग कि जितना कमाई किया उसका जितना कमाई किया उसका कितना हिस्सा आप डिविडेंड बोलकर दे दे रहे हो, ठीक है? जितना आपने कमाई किया उसका कितना हिस्सा आप डिविडेंड बोल के दे दे रहे हो। ये कौन आ गए भाई? देखिए एक स्पैम मार रहे हैं। ठीक है, अब देखो पे आउट रेशियो और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो एकदम अपोजिट है। बस इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो है EPS बाई DPS, और पे आउट रेशियो है DPS बाई EPS। पे आउट रेशियो है DPS बाई EPS। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि ये दोनों क्या एकदम अलग चीज़ है, दोनों अलग ही चीज़ है एकदम, दोनों उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे EPS बाई DPS करें ना, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे डिविडेंड देना है 15, मैं कमाता हूँ 20, तो मेरा कवरेज रेशियो थोड़ा तो 1.1 से ज़्यादा अच्छा है। कवरेज रेशियो हमेशा 1 तो होना ही चाहिए ना, कम से कम कवरेज रेशियो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। इनफैक्ट कवरेज रेशियो क्या होना चाहिए? हमेशा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। पे आउट रेशियो 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। आप कमाते हो 20 और 15 दे रहे हो, 20 से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते, जितना कमाएंगे उतना ही देंगे ना। पे आउट रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। रिटेंशन रेशियो होता है इसी का अपोजिट, पे आउट का रेसिप्रोकल। मतलब 20 रुपया कमाया, 15 दे दिया, तो 5 रुपया बचा ना, तो रिटेंशन रेशियो कितना हुआ? रिटेंशन इज इक्वल टू 5 रुपीज़। इन अबव एग्जाम्पल 5 बाई 20 दैट विल बी इक्वल टू 25%, या फिर आप बोल सकते हो जितना मैंने दे दिया उसको आप माइनस कर लीजिए 1 से। जैसे 1 माइनस पे आउट रेशियो करने से भी रिटेंशन रेशियो आ जाएगा। अगर आप कमा रहे हो जितना उसका 75% डिविडेंड में दे दे रहे हो, तो 25% आपका रिटेंशन हो गया। EPS कैसे आता है तो पता ही है, इफेज बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक आता है यील्ड रेशियो। यील्ड मतलब हमेशा डिवाइड बाय MPS होगा। अर्निंग यील्ड मतलब डिवाइड बाय MPS। ये कौन सोचता है? जनरली शेयर होल्डर अपने लिए जब सोचता है ना, तो वो ऐसे ही सोचता है, मेरा जो शेयर है उसका मैंने मार्केट प्राइस पर खरीदा, उसके बदले मुझे EPS कितना मिला, ठीक है? हमेशा शेयर होल्डर MPS के एंगल से सोचता है। तो बहुत सारी कंपनी भी शेयर होल्डर को कम्युनिकेशन देने के वक्त यील्ड बेसिस में कम्युनिकेट करती है, जिससे कि आप अपना हिसाब से समझो कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ।
तो एमपीएस यील्ड मतलब हमेशा यूज एमपीएस, ओके, जहां पे भी वर्ड यील्ड दिख जाएगा एमपीएस यूज करना। सो अर्निंग यील्ड इज ईपीएस बाई एमपीएस, ओके। वैसे एक और आता है डिविडेंड यील्ड, विच इज डीपीएस बाई एमपीएस। डीपीएस कैसे आएगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। और प्राइस अर्निंग रेशियो आपको पता ही है, प्राइस इज एमपीएस, अर्निंग इज ईपीएस। सो ये सब बहुत इजी इजी है, नाम से ही आपको पता है, कई सारा चीज दूसरा दूसरा चैप्टर में भी आते रहता है तो आपको वैसे भी ध्यान रहता है। सो इसके साथ सारा रेशियोज एक बार के लिए खत्म हो गया। एक बार हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं रेशियोज में हम लोग क्या क्या अभी तक नाम सीखे, देखो हम लोग को कितना याद रहता है। पहला है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या आता है? करेंट रेशियो आता है, क्विक रेशियो आता है, सुपर क्विक रेशियो आता है, डिफेंस इंटरवल आता है। देन आ रहा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में डेट रेशियो आता है, इक्विटी रेशियो आता है। डेट रेशियो इज डेट बाई डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी रेशियो इज इक्विटी बाई डेट प्लस इक्विटी। फिर डेट इक्विटी रेशियो आता है विच इज डेट बाई इक्विटी, ठीक है, विच इज डेट बाई इक्विटी। फिर आ रहा है डेट टू टोटल एसेट्स, फिर आ रहा है इक्विटी टू टोटल एसेट्स विच इज प्रोप्राइटरी रेशियो। फिक्स एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज फिक्स एसेट बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मैक्स 90%। फिर आ रहा है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो विच इज फिक्स चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज बाई नॉन फिक्स चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज, यानी कि इक्विटी यानी कि डिवेंचर्स या डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। देन आ रहा है आपका कुछ कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इज पैट बाई प्रेफरेंस डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो इज पैट बाई टोटल डिविडेंड विच इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो इज इफेश बाई इक्विटी डिविडेंड, और शॉर्टकट बताया ना, ईपीएस बाई डीपीएस। नेक्स्ट आ रहा है आपका एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज में आ गया पहले कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो विच इज सेल्स बाई कैपिटल इंप्लॉयड, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो विच इज सेल्स बाई फिक्स एसेट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज सेल्स बाई वर्किंग कैपिटल। देन मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज मटेरियल कंज्यूम बाई एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डब्ल्यू आई पी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर आ रहा है आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो विच इज क्रेडिट सेल्स बाई एवरेज डेटर्स। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिटर्स पेमेंट डिवाइडेड, क्रेडिटर्स पेमेंट की जगह हम लोग क्या यूज करें, क्रेडिट परचेसेस डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर्स। देन इन सबका होल्डिंग पीरियड भी है या कलेक्शन पीरियड पेमेंट पीरियड भी है। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इज ईबीआईटी बाई कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड मीन्स डेट प्लस इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज पैट बाई इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज इफेश बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज ओनली इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो मैंने समझाई दिया था। डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है एक इंपॉर्टेंट। डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज जितना नेट कैश आपके पास है आफ्टर टैक्स विच इज इक्वल टू ई बी आई टी में से टैक्स माइनस करिए और डिप्रिसिएशन जोड़ लीजिए डिवाइडेड बाई इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देन जी पी रेशियो नथिंग टू से अबाउट इट। देन पी वी रेशियो नथिंग टू से अबाउट इट, बट पी वी रेशियो इज ऑल्सो चेंज इन ई बी आई टी बाई चेंज इन सेल्स। वेर एज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज डिवाइडेड बाई सेल्स। एक और आता है यहाँ पर, वो भी मैं बता देता हूँ। देर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये भी एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कब आया था मैं आपको बताता हूँ। मैं बीकॉम थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहा था उसमें आ गया था और ये भूल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है। पूरा दिमाग धुआं धुआं हो जाता है, एक भूल जाते ना एग्जाम में एकदम दिमाग धुआं धुआं हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस गया करियर खत चौपट हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई सेल्स, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, मेन ट्रिक यही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज सपोज टू बी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, माइनस एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आया। देखिए एक बात बता देते हैं, कॉस्ट शीट में एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस में से एडमिन एक्सपेंस हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड करते हैं, बट एफएम में जब कॉस्ट शीट बनाते हैं, एफएम में हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कॉस्ट शीट बनाएंगे, एफएम में जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हम लोग एडमिन एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कभी नहीं डाल के रखते। एडमिन एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाल के नहीं रखते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, सेल्स माइनस सी ओ जी एस माइनस एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। सेल्स माइनस सी ओ जी एस माइनस एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो ये बड़ा ट्रिकी होता है, बहुत बार समझ नहीं आता कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग रेडी हो गए दोस्त इस तरफ का खाली रिविजन करने के लिए, वो है
एनपी रेशियो विच इज़ पैड बाई सेल्स, पे आउट रेशियो इज़ डीपीएस बाई ईपीएस, ओके, रिटेंशन रेशियो इज़ 1 माइनस पे आउट रेशियो, ईपीएस इज़ नॉर्मल, अर्निंग यील्ड इज़ ईपीएस बाई एमपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियो इज़ एमपीएस बाई ईपीएस, डीपीएस इज़ डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, एंड डिविडेंड यील्ड इज़ डीपीएस बाई एमपीएस। तो एक नया रेशियो और सिखा दिया मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कहीं उसमें मिस्टेक नहीं हो जाए। ये वाला ऑपरेटिंग रेशियो जो था वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था, और ये वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक और आइटम आएगा, डायरेक्ट वेजेस भी आएगा, मेरा मिस्टेक हो गया, इसमें वेजेस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में घुसा दिया जाता है, डायरेक्ट वेजेस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही पार्ट होता है। ये ऑपरेटिंग वाला थोड़ा झोलझाल होता है क्योंकि ये रेगुलर नहीं है ना, कभी अचानक से सब में आ गया पूरा बस गड़बड़ करा सकता है ये, इसलिए इस सब पे ध्यान देना आपको। ओके, सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड ऑल द रेशियोज, नाउ वी शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट वन और टू सम टू अंडरस्टैंड हाउ द रेशियोज विल बी यूज्ड। ओके, तो चलो भाई लोग, बहन लोग, आगे बढ़ो एग्जाम्पल में। नॉन स्टॉप बोलो उस आप लोग के लिए, एकदम नॉन स्टॉप खटर 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 करके। एमपीएस का फुल फॉर्म मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके सर, ये चार्ट में जो आपने ऐड ऑन किया है, ये वाला चार्ट डैशबोर्ड में डाल दीजिएगा, इससे ये पूरा रेशियो याद हो जाएगा विथ क्लैरिटी। ओके, रैंक लाने के लिए कितना आवर्स पढ़ना होगा और मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट के? सर कोई डिफाइंड रूल नहीं लिखा हुआ भाई कि लोग फॉलो करो और रैंक आ जाएगा, सब कुछ आना चाहिए रैंक के लिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है, दोनों ग्रुप एग्ज़ाम देना है, कोई ऐसे आवर्स और क्वेश्चंस का रूल नहीं बना हुआ है। आइए देखिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स लक्ष्मी एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सो वी हैव नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, बैंक ओडी, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो, रिजर्व्स इन सरप्लस, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। सो नॉर्मली दो तरह का सम आता है, एक आता है जिसमें रेशियो देता है, बोलता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाओ, और दूसरा होता है जिसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दिया होता है, बोलता है रेशियोज निकालो। ठीक है, तो हम लोग अभी जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं वो दोनों बैलेंस शीट बनाने वाला ही लिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है। तो सम करने का तरीका क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हम लोग पहले ही बैलेंस शीट का ढांचा बना लेते हैं, एज एट 31 मार्च 2020 लिखा है उसको लिख लेंगे। अब जो जो मालूम है उसको फिट फिट कर दो, बैठा दो। जैसे बैंक ओडी मालूम है 80,000, तो यहाँ लिख दिया। रिजर्व्स इन सरप्लस मालूम है, वो भी यहाँ लिख दिया। अब आप वर्किंग नोट बनाओ, एक एक रेशियो को क्रैक करो। वो कैसे होगा वही सोचना होता है। सो, पहला मान लीजिए नेट वर्किंग कैपिटल है मेरे पास, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी 4,80,000। सो करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी इज 4,80,000। इसके साथ साथ मेरे को करेंट रेशियो मालूम है 2.5, विच इज़ सी ए बाई सी एल इज 2.5। इन दोनों को भिड़ा के सी ए सी एल आ जाएगा। सो सी ए इज इक्वल टू 2.5 CL। सो 2.5 CL अगर हम इसको यहाँ पुट करें, माइनस सी एल इज 480। सो करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 480 बाई 1.5, 3,20,000। सो करेंट एसेट्स विल बी इक्वल टू इंटू 2.5 करो, 8 लैक्स। करेंट एसेट इज इक्वल टू 8 लैक्स। ठीक है, अभी यहां पे बैलेंस शीट में हड़बड़ा के नहीं बिठाते हैं, और भी वर्किंग कर सकते हैं। जैसे लिक्विड रेशियो आपको दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो इज 1.5, वेरी गुड, बहुत लोग ऑलरेडी करना शुरू कर दिए हैं। लिक्विड रेशियो से कुछ काम बनेगा देखना आपका,
ये होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो अपना मन से नहीं मानते, और फिर करेंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी, क्विक एसेट्स बाय क्विक लाइबिलिटीज़ किया इज इक्वल टू 1.5, इससे स्टॉक निकल जाएगा। गुड, टू गुड, से स्टॉक निकालिए। करेंट एसेट्स से अपना, करेंट एसेट्स से 8 लाख्स पहले से करके रखा है कुछ बच्चा लोग, मैं समझ गया। इंप्रेशन दिखा रहा है कि देखो हम कितना फास्ट करता है। इतना देर मेरा लेक्चर सुन रहा था ना रेशियो का, उसको सुनते सुनते बेटा लोग सम मार दिया। 320 माइनस बैंक ओडीए 80,000 इज इक्वल टू 1.5, तो स्टॉक कितना आ रहा है, देखो स्टॉक कितना आ रहा है। स्टॉक बोल रहा है 4,40,000, देखता हूँ मैं। 240 इंटू 1.5 माइनस 8 लाख, यस 4,40,000 स्टॉक निकल आया, 4,40,000। ठीक है, सो अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे करेंट एसेट्स में एक तो मिला मुझे स्टॉक 440। अब डेटर्स का अगर कोई इन्फॉर्मेशन होता, अगर डेटर्स का कोई इन्फॉर्मेशन होता तो हम डेटर्स के लिए भी काम करते। अब नहीं है तो बाकी मान लेंगे। डेटर्स एंड कैश जो है वो बचा हुआ करेंट एसेट है। डेटर्स एंड कैश बचा हुआ करेंट एसेट कितना होगा, 8 लाख में से माइनस करिए 440। थर्ड वर्किंग नोट हो गया आपका डेटर्स एंड कैश, जो होगा 8 लाख माइनस 440 इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 360। ओके 360 आ गया। अब करेंट लाइबिलिटीज़ का भी बचा हुआ पार्ट आप सोच सकते हैं कि करेंट लाइबिलिटीज़ टोटल अपने को मालूम है 320, तो क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटीज़ माइनस बैंक ओडी कर दीजिए। सो करेंट लाइबिलिटी हमारा 320 और बैंक ओडी है हमारा 80, सो ये आ गया 240, ये आ गया 240। ठीक है, दिस हैज़ कम 240। सो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर अदर करेंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स विच इज 240। ओवर। सो हम लोगों का अब देखिए बचरा क्या है, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अब खाली फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी ये नया ही रेशियो यहाँ पे बनाया। ठीक है, प्रोप्राइटरी माने बनेगा इक्विटी, इक्विटी शेयर, समझ गए, इक्विटी माने प्रोप्राइटरी, इक्विटी माने प्रोप्राइटरी, इक्विटी माने इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी माने इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो नेक्स्ट आ रहा है फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका मतलब होता है फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड विच इज 0.75, और प्रोप्राइटर फंड का मतलब होगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो वो भी लिखता मैं प्रोप्राइटर्स फंड में, दिस इज 0.75। सो आई नो वॉट इज फिक्स्ड एसेट विच इज इक्वल टू 0.75 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इन सरप्लस। ओके, अब यहां पर वर्ड इक्विटी लिखिए या फिर खाली शेयर कैपिटल लिखिए वो भी चलता है। शेयर कैपिटल लिखने से दोनों ही आ गया, जब इक्विटी खाली है तो इक्विटी लिखने का जरूरत क्या है, शेयर कैपिटल लिख दो, तब शेयर कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सो नाउ हम लोगों को क्या करना है, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स और शेयर कैपिटल निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये इस सम का ट्रिक है। फिक्स्ड एसेट्स और शेयर कैपिटल ही पता करना है। इसको मैंने सिखाया था कि जब दोनों तरफ से एक एक मिसिंग हो ना, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड यूज बैलेंस शीट इक्वेशन, यूज बैलेंस शीट इक्वेशन, दैट इज टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो टोटल एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज में क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस प्लस करेंट लाइबिलिटीज। सो इसको पुट करिए, फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास अभी मालूम नहीं है हमें, करेंट एसेट मालूम है विच इज 8 लाख, शेयर कैपिटल मालूम नहीं है,
रिजर्व्स इन सरप्लस मालूम है विच इज़, रिजर्व्स इन सरप्लस का अमाउंट मालूम है विच इज़ 3,20,000, और करेंट लाइबिलिटीज हमें मालूम है विच इज़ 3,20,000। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट में आपको एक ये रिलेशनशिप मालूम है, ये बैठा दीजिए, तो 0.75 इंटू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस प्लस 8 लाख, रिजर्व्स इन सरप्लस का फिगर हो गया वापस 3,20,000 प्लस 8 लाख इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस, इन दोनों को जोड़ दिया तो 640। इसको सॉल्व करके बताइए शेयर कैपिटल कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करना होगा। 0.75 शेयर कैपिटल प्लस 320 का 0.75 240 प्लस 8 लाख इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस 640। सो 8, 240, 640 4 लाख डिवाइडेड बाय 0.25 शेयर कैपिटल आ रहा है, इसको सॉल्व करके 16 लाख्स। ये इक्वेशन को सॉल्व करिए, शेयर कैपिटल आ रहा है 16 लाख्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके शेयर कैपिटल यदि 16 लाख्स आ गया तो फिक्स एसेट बैलेंसिंग फिगर से भी आ जाएगा, या फिर आप फिक्स एसेट बोल सकते हो 0.75 ऑफ दिस, तो उससे भी आ जाएगा। फिक्स एसेट इज 0.75 ऑफ 16 लाख प्लस 3,20,000। सो दिस इज कमिंग 14,40,000। चौदह लाख चालीस हजार। ओके ग्रेट, वेरी गुड। सो इस सम का जो महामंत्र था वो था यही वाला पार्ट, बैलेंस शीट इक्वेशन। ऐसा सम क्लास में भी किया हुआ रहता है, तो नथिंग ग्रेट डील अबाउट इट, ऐसा नहीं कि आज पहली बार सीख रहे हैं। कूल कूल, बैलेंस शीट जब करोगे फिर टोटल बैठा दोगे यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज एंड फॉर्म ऑफ अ टेक्सटाइल कंपनी हैविंग अ सेल ऑफ रुपीज 32 लाख्स। सेल्स दिया हुआ है 32 लाख्स। सो सेल्स टू नेटवर्थ है 2.3 टाइम्स। करेंट डेट टू नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब बताया था ना अभी इक्विटी, करंट डेट टू नेटवर्थ, टोटल डेट टू नेटवर्थ सब इक्विटी से रिलेट कर करके निकाल दिया गया। करंट रेशियो, नेट सेल्स टू इन्वेंट्री, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, ये सब परसेंट में दिया हुआ है। और प्रोफोर्मा बैलेंस शीट मालूम है आपको, बस ये बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। इसमें डेटर्स का फिगर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला वर्किंग नोट होगा, जैसे सेल्स टू नेटवर्थ है तो सेल्स डिवाइडेड बाई नेटवर्थ इज 2.3 टाइम्स। थर्टी टू लैक्स बाई नेटवर्थ इज 2.3 टाइम्स। सो नेटवर्थ इज इक्वल टू कितना होगा, देखो थर्टी टू लैक्स डिवाइडेड बाई 2.3, थर्टीन 91,304। बस ये अब डर्टी फिगर्स आते ही ना घबराहट शुरू हो जाता है कि हम लोग सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। नंबर टू, करेंट डेट टू नेटवर्थ 42% है, तो करंट डेट बताओ क्या आएगा।
नेटवर्थ का 42%, 584,348 आ रहा है क्या? फिर बोल रहा है टोटल डेट टू नेटवर्थ 75% है, तो नेटवर्थ का 75% करो, टोटल डेट कितना आएगा बताओ? 1391,304 इंटू 75%, दिस इज कमिंग 1043,478। तो देयर फोर लॉन्ग टर्म डेट कितना होगा, विच विल बी टोटल डेट माइनस करेंट डेट, टोटल डेट माइनस करेंट डेट करो, टेन फोर्टी थ्री फोर सेवन एट माइनस 584,348, 459,130। सो देखो लेफ्ट साइड पूरा खत्म हो गया, एग्जाम में यही प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट वापस से बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट दे दिया मतलब यही भरना है, अपना मन से दिमाग नहीं लगाना। तो 1391,304, 459,130 और एक आ गया 584,348। तो ये टोटल बताना, तो कितना आ रहा है 584,348 और 1391,304, 24,34,782। सो इधर का भी फिगर मिल ही गया। अब और क्या कर सकते हैं बोलो? करंट रेशियो, करंट रेशियो करंट डेट से आ जाएगा। करंट रेशियो को यूज़ करो, विच इज़ करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.9 टाइम्स। ठीक है, अब लास्ट में जगह कम पड़ता है ना, ऐसे लगता है कि घुट घुट के जी रहे हैं, सारी उम्र हम मरमर के जी लिए, और फिर एक पेज में मरमर के सम करो, इसलिए मैं पेज नया ले लेता हूँ। और आप लोग को भी घुटते देखता हूँ ना क्लास में, मेरे को बड़ा तकलीफ़ होता है, लोग भी ऐसे ही करते हो इधर उधर इधर उधर, कि हम नया पेज क्यों लें, ऐसे ही मरमर के जी रहे हैं, और ऊपर से पेज के लिए भी मरो। देयरफॉर करंट एसेट्स इज इक्वल टू 584,348 इंटू 2.9, 1694,609। नेक्स्ट फिफ्थ, ये भी हो गया, नेट सेल्स टू इन्वेंट्री, नेट सेल्स टू इन्वेंट्री 4.7। सो सेल्स तो हमें पता था जो है 32 लैक्स बाई इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4.7। तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 32 लाख बाई 4.7। सिक्स एट्टी 851, सही बोला क्या? देखिए तो ये इन्वेंट्री माने हो गया स्टॉक, इसको आप यहां पे बैठा दीजिए 688,851। तो बचा हुआ आप कैश बनेगा, टोटल करंट एसेट्स हमें मालूम है, कैश कैसे आएगा? टोटल करंट एसेट्स
माइनस स्टॉक और माइनस डेटर्स का फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो करंट एसेट्स है 1694609 माइनस स्टॉक अभी निकाला 685851 माइनस डेटर्स है 568889। देखिए तो कैश कितना आ रहा है, कैश कैश बोलो कैश, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरी बातों में, कैश जल्दी कैश बोलो। हाँ ट्रिपल 4869, 4869। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप दूर हैं कहीं अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप सामने में बैठ के आवाज़ दे रहे हैं। 4449। अब फिक्स एसेट टू नेटवर्थ बैलेंसिंग फिगर से भी आ जाएगा, तो फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ दिया हुआ है 53.2%। फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 53.2% ऑफ नेटवर्थ है हमारा 1391304, सो दिस इज कमिंग 740173। बट आप बैलेंसिंग फिगर डाल देगा दोस्त, 740173 डाल देगा जिससे टैली हो जाए। टैंग टैंग, मुबारक हो, बधाई हो, मिठाई बांटो, लड्डू बांटो, चैप्टर खत्म हो गया, आपके घर चैप्टर हुआ है, मुबारक हो, बधाई हो, मस्ती करो, एक चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, रेशियो एनालिसिस ऐसा तैयारी करके जाएगा कि इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो होगा ही होगा आपसे, किसी भी कीमत पे होगा ही होगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। लिवरेज चैप्टर भी पिछले दिन जो पढ़ाया और आज जो पढ़ाया, दोनों चैप्टर ऐसा वजन वाला चैप्टर है कि कोई भी सम आ जाए ये अपन करके ही रहेगा, समझ गए। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप लोग का तो ये स्क्रीनशॉट का झमेला ही ख़त्म नहीं हो रहा है ज़िंदगी में। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट वाला भी ले लीजिए, सिर्फ ये यूट्यूब लाइव वालों के लिए है, स्क्रीनशॉट ऐसे नियम के विरुद्ध है। चलो ठीक है, मिलते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट हुआ, ले लीजिए, मारिए शॉट, मारिए शॉट हुआ, मारिए स्क्रीनशॉट हुआ, मारिए स्क्रीनशॉट हुआ का हुआ। नहीं मारेंगे, अरे मारेंगे कि नहीं मारेंगे, इसका लेके भी का कर लीजिएगा, कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है, इतना छोटू छोटू सा है। ले लीजिए, हमको का है, इसका भी ले लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बता दीजिए, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, डिवाइड बाय सेल्स करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, वो होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस। कल कौन सा चैप्टर होगा, वर्किंग कैपिटल हुआ, कल हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल हुआ, मैनेजमेंट हुआ, मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ। वेरी गुड, सर हम आपको का बताएं, आपका तो भाऊ काल है सीए फ्रेटर्निटी में, कॉस्टिंग के नाम पे एकदम फीलिंग जाग जाता है पढ़ के। का बोल रहे हैं हर्ष भैया, समझ में नहीं आ रहा है, बोलना क्या मांग रहे हैं आप। हम आपको का बताएं, आपका तो भाऊ काल है, भाऊ काल माने क्या हुआ भाई, ये तो नया वर्ड सुने ला, पहली बार सुने हम भाऊ काल।
नेट एसेट। अच्छा, नेट एसेट क्या होता है? नेट एसेट नेटवर्थ को बोलते हैं। नेटवर्थ और नेट एसेट आर सेम थिंग। भौकाल मैंने नहीं जाने भैया, हम कलकतिया हैं, हम थोड़े ही आपके जैसे रांची के हैं, हम तो कलकतिया के रहने वाले हैं भाई। हमको वो सब नया नया शब्द पहली बार सुनने में मिला। आप ही हैं और कोई नहीं। अच्छा, भौकाल माने क्या हुआ ये तो बताओ। इक्वल टू भाट, भाट माने, अभी नया एक शब्द आ गया एक और। अब तुम्हारा शब्द का क्लास करें कि FM पढ़े हम, तो गजब है भाई। नया नया शब्द सिखा रहे सर को। एक आसान सा शब्द बोलो भाई। हाँ, बाय बाय, ठीक है, ये समझ में आया। एडमिन सेलिंग क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि बेटा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो आता है, इसलिए यही फंडा है निकालने का। मतलब आप बाहुबली हैं। अच्छा, भवकाल में। अच्छा, यश नाम। अरे नाम का अब समझ में आ गए हैं आपका बात, हमको समझ में आया है, अभी हम समझे हैं आपका बात। लेकिन बेटा नाम का क्या करना है? काम होना चाहिए। नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। अगर हमसे पढ़ के आपका काम हो रहा है तो हम जाने कि हम काम के हैं। नाम का क्या करना? नाम बड़े और दर्शन छोटे, उसका कोई मतलब नहीं है। नाम ना हो तो भी चले, लेकिन काम होना चाहिए। बच्चों का काम ऐसा हो जिससे कि उसको याद रहे सब्जेक्ट जीवन भर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ा था और कभी भूल गया। ऐसे पढ़ना है कि कभी भी उठा के बोल देंगे, बचुआ तक को पढ़ा डालेंगे कि हम भी किसी सर से पढ़ के आए थे। समझ गए? टोटल एसेट इज, अरे टोटल एसेट तो फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एकदम धागा खोल दिए हो आज रेशियो एनालिसिस का, गजब बोले हैं। देख रहे हैं हमारे ऋत्विक भैया को कैसन डायलॉग दे रहे हैं कि धागा खोल खोल के पढ़ाते हैं ये सर जी, तो गजब गजब। मेरा 12th का मैथ्स टीचर बोलते थे, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि रोड चलते फिरते पढ़ा सको। बिल्कुल, लेकिन रोड चलते फिरते पढ़ाओगे तो दुनिया वाला बोलेगा कि बौरा गए हो, कि चलते फिरते ही पढ़ा देते हो। मजाक कर रहे हैं, हम बोलते हैं पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि अपना बचवा को भी पढ़ा सको। समझे? कि बचवा को बोलेंगे कि बेटा हम भी कहीं पढ़े थे, तभी तो आज तुमको पढ़ा पा रहे हैं। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट तुम उसे लेके जा रहे हैं। करेक्ट। चलो बेटा, बढ़िया है, बहुत मज़ा आया। धोनी भैया की जय। चलो, बाय 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 बाय, मिलेंगे फिर। हाँ, तो भारी भारी डायलॉग है, सही बात है। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि बचुआ को भी अपना पढ़ा डालोगे, ऐसा पढ़ो और याद रहेगा। थोड़ा सा मन दे दीजिए ना सर को क्लास में, थोड़ा सा मन दे लेंगे ना क्लास में, आप देखिए ऐसा बैठा देंगे माथा में कि भुलाना चाहोगे तो भी भुला नहीं पाओगे, ये गारंटी है। कहाँ अपलोड करेंगे ये वीडियो को? आप कितना जन को शेयर किए हैं ये बताइए तो, ऐसे कैसे अपलोड करें? आप कितना जन को शेयर किए हैं ये बताइए। पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सही है। नेटवर्थ माने इक्विटी बेटा, नेटवर्थ माने इक्विटी। हम ये राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते,
फिक्स्ड एसेट रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड एसेट रेशियो होता है फिक्स्ड एसेट बाय टोटल एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट। कल वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे जी, वर्किंग कैपिटल। चलो बेटा, बाय बाय। थैंक यू। बोल रहे, देखो डायलॉग बाजी चला रहे हैं आज, पढ़ाने आए कि डायलॉग बाजी करने आए हैं? देख रहे, बच्चा लोग का ना टेम्परामेंट अलग टाइप का हो गया आजकल, बर्दाश्त बोल के कुछ है नहीं, तुरंत बोल देगा डायलॉग बाजी कर रहे हैं। 15 शेयर किया है हम, 4 पेज में चैप्टर का सार बता दिए आप, हम आपको नहीं बोले सर। अच्छा। अरे हमको समझ में आ गया था भाई, हम तो मजाक कर रहे थे आपसे। मजाक में आप सीरियस ले लेंगे हर्ष बाबू, ऐसा क्या भोकाल है हमारा? ईफेस का फुल फॉर्म बताना है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अबे नेटवर्थ, निश्चल कुमार, नेटवर्थ माने इक्विटी, इक्विटी माने इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। हुआ, अब जाएं कि यहीं बैठे रहें? और भी बहुत काम रहता है भैया, खाली पढ़ाने से थोड़ी चलता है, जाने देंगे कि नहीं देंगे? पूछोगे और? अरे बोलो, आपको स्माइल करते देख के बड़ा अच्छा लगता है, सही है। अरे जावे कि नहीं जावे, कि बैठे ही रहें आपके लिए? अपलोड दिस क्लास बिकॉज आई वॉज डूइंग माई ओरिएंटेशन एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू द क्लास। दारून, बाय बाय। चलो बाय। थोड़ा मोटिवेशन दीजिए आज आप। जाएंगे भैया, भूख भूख लग गई है, 2 बज रहा है, और भी काम है। वही तो बोल रहे हैं बार बार कि आप तो बोलते हैं नहीं, बैठे ही रहिए यहीं पर। या आशीष गुप्ता क्या बोल रहे? रे कोई मैडम याद आ रही है मेरे को देख के? गजब। अरे तो भाई भागो यहाँ से, ये तो कुछ भी बोलने लगा बच्चा लोग। जाइए जाइए, बाय।